नृत्य कनत में बिखर गए, नृत्य कनत में बिखर गए, श्यामा जोगी बादल के घुंघरू, श्यामा जोगी बादल के घुंघरू, आदि जोगी बादल के घुंघरू।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare भगवान की है आरती
पापियों को पाप से रास्ते भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
गोपेश गोपी गोकांशी राधा कान्हास्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं अपने गुरुदेव श्री श्री भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में जन्म प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात श्री वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। शास्त्रों में लिखा गया है कि लब्धभासो दुर्लभ इदम् बहु संभावते मानुष्य मर्तदम नित्य नैवेदीरह प्रणूयते त्रयपते दनु मृत्यु यावत् निःश्रेषाय विषय कलुषमतस्या। इसका मतलब है कि अनेक जन्मों के बाद हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और ये अत्यंत दुर्लभ है और ये अनित्य होने पर भी प्राणपद है। ये लब्धभासो मतलब एकदम हमारे मनुष्य जीवन कैसे दुर्लभ है, आइए हम इसको एक कवि के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक मनुष्य को हमने एक माला दी और एक नौका दी और उसे हमने बहुत बड़े सागर में छोड़ दिया और ये कहा कि ये माला तुम्हें इस सागर में 100 साल में एक कछुआ निकलेगा, वो एक चक्कर में उभार निकालेगा, तुम उसे माला पहनानी है। तो क्या ये संभव है? क्या हम 100 साल तक टकटके लगाते हुए भूखे प्यासे अपने नित्य काम को त्याग करके क्या उसे माला पहना सकते हैं कि नहीं? यह संभव है। इससे भी असंभव कार्य है मनुष्य जीवन पाना। ये दुर्लभ होने पर भी ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ भी नहीं मनुष्य जीवन सुदुर्लभ है और ये अनित्य होने पर ब्राह्मण पद है। अनित्य कैसे कि जो आज है कल नहीं है, जैसे कौन समान सरों की तरह आते हैं वो कभी ना कभी तो पुरानी होनी है। और ब्राह्मण पद कैसे है,
भगवान के पास लेने जाने वाला कैसे अगर भक्ति करेंगे तो भगवान के पास ले जा सकता है शरीर, तो इसको हम एक कल्प के माध्यम से समझते हैं कि जैसे एक राजा है वो अपने मन ही मन सोचता है कि मैं अपने परिश्रम करके एक महल बनाऊं और अच्छा महल बनाऊं, उसमें स्विमिंग पूल जिम ये सब हो, तो ऐसे परिश्रम करके अच्छे कारीगर को बुला के ऐसे एक महल बना देता है। और बना करके जैसे हम एक घर बनाते हैं भंडारा करते हैं, उसने भी ऐसे करा, तो उसने प्रसाद देने के बाद प्रसाद देने के बीच में पूछा सबसे कि साधु जी इसमें कोई कमी तो नहीं है? सब साधु बोलते हैं कि नहीं नहीं राजा इसमें कोई कमी नहीं है, ये देखो तुम्हारे पास कितने बड़े बड़े खम्भे हैं, कितना अच्छा बगीचा है, कितना अच्छा सिंहासन है, हमें तो ऐसा लगता है कि स्वयं ये भक्त भगवान से श्री कृष्ण का महल ही आ चुका हो। तो प्रसाद खिलाने के बाद वो अपनी प्रजा में जाता है, सभी उत्तर देते कि नहीं नहीं राजा इसमें कोई कमी नहीं है। फिर बाद में एक निडर ऋषि आता है, वो सीधा राजा के पास जाता है तो राजा से प्रसाद देता है, उसके बीच में पूछता है कि राजा जी इसमें कोई साधु जी इसमें कोई कमी तो नहीं है? साधु बोलता है कि हाँ हाँ इसमें दो कमियां हैं। तो राजा मन ही मन सोचने लगता है कि सभी साधुओं ने सारी प्रजा ने ऐसा कहा कि इसमें कोई कमी नहीं है, तो साधु जी कैसे बोल रहे हैं कि इसमें दो कमियां हैं? तो पूछता है कि साधु जी इसमें क्या क्या कमियां हैं? कि पहली, ये जो तुमने महल बनाया है क्या ये 200-300 साल बाद रहेगा? कि नहीं। और ये जो महल की शोभा है ये किससे है? कि मेरे से यानी राजा से। अगर तुम्हारा जो शरीर ये अंत्य है आज है कल नहीं रहेगा, अगर चलो ये महल रह भी गया तो तुम तो नहीं रहोगे, तो इस महल की शोभा क्या रहेगी? ये भी कभी ना कभी तो जाने वाला ही है। तो इसका मतलब वो साधु जी ऐसे कहते हैं कि जो इस अब है बाद में नहीं है, और जो मैं शरीर मिला है अगर इसका इसका ही वो करते हैं जो तुम्हारा कृपा रावत पर कल्याण का द्वार है हमेशा हमेशा के लिए बंद जाएगा, राम कल्याण भगवान का द्वार शरीर का वो करते रहे वो भी बंद हो जाएगा। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत भक्ति कर लेनी चाहिए, हमारा रावत मतलब रावत पद पर जाना चाहिए। हरे कृष्ण आचार्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव प्रातः स्मरणीय ऋषिकाचार्य ओम विष्णुपाद अष्टवतः सत श्री श्रीमद् भक्तिदान सिद्धर गोस्वाम गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि साक्ष गौरव प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपण गौरी गुरु परम्परा के सभी के श्री चरणों में अनंत कोटि साक्ष गौरव प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। गुरुदेव का आदेश हुआ है कुछ बोलने का पर आता नहीं कुछ, पर फिर भी गुरुदेव का आदेश करने वाला पालन करते हैं, कुछ कहने की चेष्टा करूंगा, कुछ गलती हो तो आप सब लोग क्षमा करना, और मैं जो बात कहूंगा आप उसको कोई भी अपने ऊपर मत लेना, ये सिर्फ एक वाक्य है जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सभी से रिक्वेस्ट है आज सुबह जब कथा सुबह की मंगल आ गई उसके बाद मॉर्निंग कथा हो गई क्लास हो गई, तो एक भक्त आए गुरुदेव के पास, तो वे कुछ दुखी से थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था घर पर, तो गुरुदेव से ऐसा पूछ रहे हैं गुरुदेव कोई मुझको एक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरे सारे दुख कट जाते। ये बात सुनकर बहुत अच्छी आई, बोला गुरुदेव का अनुगत्य कर रहे हो पिछले कई सालों से और गुरुदेव का संग कर रहे हो कथा सुन रहे हो, इसके बाद जो गुरुदेव ने आपको दीक्षा प्रदान कर दी मंदिर प्रदान कर दिया उसके बाद कौन सा मंदिर बाकी रह गया एक बार ये तो बता दो। तो इससे क्या होता है कि अभी उस चीज की हमें श्रद्धा नहीं है,
हमें विश्वास उत्पन्न हो उस चीज का, निष्ठा जो गुरुदेव हमको बता रहे हैं अभी हमें उसमें विश्वास नहीं है, तो इस चीज की कमी है। जो गुरुदेव ने मंत्र हमें प्रदान कर दिया जिसको महामंत्र है, जो कली उपनिषद का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, जो हम सब लोग सदा जप करते हैं और इतने हमारे व्रत में नहीं है कि इतने जप ही करते रहेंगे विश्वास के साथ, तो गुरुदेव कहते हैं कि वो कभी भी आपका अकल्याण नहीं कर सकता, वो मंगलकारी ही होगा। वो मंत्र कौन सा है? एक बार सभी बहुत जोर से आवाज बोलेंगे कि मंडी के बाहर तक आवाज चली जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये वाला मंत्र है, ये जिस स्थान पर जिस जगह पर जिस परिस्थिति में जहां कहीं भी उस स्वर से हो जाएगा, वहां की जितनी भी बुरी समस्या है, जितने भी बुरे कार्य है या जितनी भी बुराइयां, जितने भी अमंगल है, ये तत्काल क्षणिक ही एकदम नष्ट हो जाएगा। वेदव्यास जी गुरुदेव ने शुरू में जब भागवत प्रारंभ हुई तो उन्होंने बताया कि भागवतों का लेखन या प्राकृतिक किस प्रकार हुआ, जो वेदव्यास जी सभी ग्रंथ लिख चुके थे बहुत सारे ग्रंथ, उन ग्रंथों में लाभ हुआ, तो लोगों को इस समय का युग में उन लाखों श्लोकों को पढ़ना असंभव है, संभव नहीं असंभव, पढ़ ही नहीं सकता कोई, आज का व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। उसके बाद जब लाखों श्लोक हो गए तो उनमें से एक भागवतम को अलग निकाल दिया गया, उसमें 18,000 श्लोक है, ये 18,000 श्लोक भी कोई नहीं पढ़ सकता, ये गारंटी लेता हूँ। अगर कोई कलयुग का इंसान जो आज जनरेशन में जी रहा है वो बिल्कुल नहीं पढ़े, पढ़ लेगा समझ नहीं सकता, ये भी पक्की बात है। तो महाप्रभु और गुरु वैष्णव ने कृपा कर चैतन्य महाप्रभु ने इन 18,000 श्लोक से एक शिष्टाष्टक निकाला है जिसमें कुल 8 श्लोक है, 8 श्लोक जो इतने सारे ग्रंथ वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए थे उनका सार श्रीमद् भागवतम, और इस भागवतम का भी जो सार है महाप्रभु ने कुल हमें 8 श्लोकों में समझ कर दिया, जो शिष्टाचार है जो हमारी बुक स्टोर पर उपलब्ध है, आप कोई भी जाकर उसको ले सकते हैं। उसमें महाप्रभु ने सिर्फ और सिर्फ नाम की महिमा के बारे में बताया है कि जो साधक साध्य को करते करते उस साधन को प्राप्त करना चाहता है, कौन सा साधन? भगवत धाम बोल रहा हूं, साधन क्या? महामंत्र। और साधक कौन? जो साध्य को करेगा, जो साधक उस साधन को करते हुए उस साध्य को प्राप्त करना चाहता है उसको वो नाम करना ही होगा, उसके अधिक और कुछ नहीं कर सकता। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं पहले श्लोक में कि जो नाम करना प्रारंभ करता है, चेतो दर्पण मार्जन भव महाकावानी निर्वापनम श्रेय कैरम चंद्रिका वितरणम विद्यावधि जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामता समाधनम सर्वात्म कृष्ण परम प्रविज्जते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि उस नाम को करते करते सबसे पहले जो हमारा मन है वो भोज भूषित है वो बिल्कुल साफ हो जाए, जो दूसरे के प्रति हमारी द्वेष भावना है, वृत्ति है, द्वेष भाव है, कलह कलेश है, जिनमें हम सब हर समय जीते रहते हैं, उसने मुझे नौकरी कह दिया, वो नौकरी हो गया, वो नौकरी नहीं कर रहा, ये सब जो प्रवृत्ति है उस मन के अंदर है, वो नाम उनको बिल्कुल क्लियर कर देगा। जिस प्रकार एक बंद घर में एक शीशा लगा होता है और 10-20 साल तक उस घर में कोई ना जाए, उस शीशे पर इतनी धूल जम जाएगी कि हमें उसमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा, सही है? और जब जाकर उस शीशे को हम साफ करें, शीशा वही है, शीशा चिन्ह नहीं हुआ, सिर्फ क्या करा 10 साल बाद हमने उस घर को खोला और उस शीशे को साफ करा, तो फिर क्या हुआ, हमने उसमें अपना चेहरा दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई देगा, तो चेहरा देखने के लिए हमें उस शीशे को साफ करना पड़ा, किसके द्वारा? एक साधन के द्वारा, साधन करा, कपड़ा लिया, उससे साधन करा, तो उसी प्रकार वो साधन जो गुरुदेव ने हमें प्रदान किया है हरि नाम महामंत्र, उसके द्वारा इस बंद कमरे के अंदर जो शीशा लगा हुआ हमारा दर्पण चित्त है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, जिसके अंदर हमें अपने स्वयं की खुद की तस्वीर दिखाई देगी कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम कहां से आए हैं, हमारा असली रूप क्या है, हमें कहां जाना है,
वो चीज दिखाई देगी, पर वो साधन करना होगा, उस साधन में विश्वास करना होगा। ऐसा नहीं कि बस गुरुदेव ने माला दी और ले जाकर घर टांग दी, हाँ मेरे पास से माला है, ऐसा तो नहीं है। और उसमें विश्वास रखकर कि हाँ गुरुदेव ने मुझे माला दी है, नाम दिया है, तो मेरा प्रावधान यही है, इसके अलावा मेरे पास कोई धन है ही नहीं। ये संसार का दर कितने दिन चलेगा? आपकी उम्र 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल, इसके बाद कुछ नहीं। पर जो गुरुदेव ने धन दिया है जो अब है, पहले था और आगे जितने भी आपके जन्म जिस योनि में भी होंगे, जब भी ही रहेगा, जब भी कहीं नहीं जाएगा धन, ये धन आपका ही है। पर गुरुदेव ने कृपा करके आपको दे दिया, आप इसको संभाल कर रखो, इसको बिखोरो नहीं, इस पर अविश्वास मत जताओ, क्योंकि आपके साथ आपकी जेब में लगा हुआ कोई भी एक सुई नहीं जाएगी, एक बटन नहीं जाएगा, एक कपड़ा नहीं जाएगा, पर जो गुरुदेव ने धन दिया है वो आपके साथ ही जाएगा और आपके साथ रहेगा, और जब आप यमलोक में या जिस लोक में भी जाओगे वहां आपके साथ खड़ा रहेगा, पता चलेगा कि ये किस कोटि का भक्त है जो आपने साधन किया उस साधन के द्वारा। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं चेतो दर्पण माजना भव महाद्रव निर्वाप्रव, भाव जो संसार की दावागिनी जो ग्रह क्लेश है वो सब विनाश हो जाएंगे। जिस प्रकार वो आज सुबह भक्त बच रहा था कि ये मेरे क्लेश किस प्रकार कम होंगे, मुझे कोई मदद दे दीजिए, तो अभी उसने वो करा ही नहीं तो क्लेश कैसे कम होंगे। तो महाप्रभु स्वयं मान लिया इस संसार के क्लेश सभी खत्म हो जाएंगे, जब हम करेंगे तो क्लेश कहां से खत्म होंगे, उसके लिए कौन सा मंत्र है? जो पावरफुल मंत्र कोई नहीं कर रहा, तो मोदी से बड़ी पावर कोई है नहीं है। अच्छा मोदी का संग दे दिया, उसके बाद में आपका काम नहीं हो रहा, तो इसके बाद क्या रहेगा? कुछ नहीं रहा। तो इसी प्रकार जब गुरुदेव ने आपको एक पावरफुल चीज दे दी, एक एटम बम दे दिया जिससे पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है एकदम, ये संसार आपका तुरंत क्षणिक खत्म हो सकता है, तो फिर भी आप उस चीज को नहीं कर पा रहे, तो सब उसके बाद है विश्वास, ये आपका भी विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद कहते हैं चेतो दर्पण माजनम भव महादानं निर्वापनम केरल चंद्रिका विदर्भम विद्यावधु जीर्णम। एक फूल होता है फूल कुंडली का, जो सिर्फ चांद में ही खिलता, चांद की रोशनी में खिलता है, वो कुंडली का फूल आपके हृदय में कुंडित होगा, इस प्रकार कि आपको प्रसन्नता होगी, आप हर समय आनंद में रहेंगे। जब ये महामंत्र करेंगे आपको दुख नहीं सहेगा, सबसे बड़ा दुख क्या इंसान का कि वो डरता है मृत्यु से, ये महामंत्र आपका मृत्यु का भय क्षणिक एकदम खत्म कर देगा, एकदम खत्म। इससे बड़ा भय कोई है मृत्यु से बड़ा? किसी के पास तो मुझे खड़ा होकर बता सकता है कि हम मृत्यु से बड़ा भय नहीं है, मृत्यु ना आए, बस सबसे बड़ा ये मृत्यु ना आए, कुछ हो जाए बीमार जाए ठीक होता जाए पर मृत्यु ना आए, तो ये महामंत्र आपका मृत्यु का भय खत्म कर देगा। और विद्यावधु जीवनम, जो विद्या जितने भी आप विद्या अर्जित करना चाहते हो ये महामंत्र देने में प्रदर्श सक्षम है, आपको हर प्रकार की विद्या जितनी भी आपको इस संसार में चाहिए जीने के लिए और ग्रंथ को साधन समझने के लिए ये महामंत्र सब प्रदान करने में है। और परम संकीर्तन परम विजय, ये संकीर्तन सब चीज पर विजय प्राप्त कराने वाले हैं, ये स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं, कोई मेरी वाणी नहीं है, ग्रंथ आप झूठ बोल रहा हूँ, तो शिक्षा हमारे स्टोर पर उपलब्ध है, तुरंत 10-20 रुपए का जाते हैं, इसकी सामर्थ नहीं है, मैं कह सकता हूँ आप जाकर वहां से ले लीजिए, पर वो लेकर जरूर जाइए और उसको पढ़िए और उसमें से क्वेश्चन निकाल कर हमारे मंदिर में आइए और उसको जोड़ कीजिए। अगर आपने इस ग्रंथ को स्कूल 8 श्लोक के ज्यादा नहीं है, मैं आपको कोई 17 श्लोक या 18 श्लोक पढ़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी सिर्फ 8 श्लोक अगर आपने अपने जीवन में उनको सार्थक बना दिया कि साधक क्या है, उस साधक का साधन क्या है और उस साधक का साध्य क्या है, और उन्हें करने से उसके जीवन में क्या क्या परिस्थिति आती है, वो सब चीज आप इन 8 श्लोकों से समझ सकते हैं, ओनली 8 श्लोक। अगर कोई इन्हें याद करने बैठे कुछ 15 घंटे में याद भी कर सकता है, ज्यादा नहीं लगेगा, कुल 8 श्लोक। वांछा कर से कृपा से मुझे भेज अपना काम मेरे रत्न दे दे। जनार्दन है, जनार्दन प्रभु तपन प्रभु कोई है क्या? कोई है ना? क्या नहीं है?
बेटा बोलो बलराम प्रभु बलराम प्रभु कहाँ है बलराम महाराज प्रभु इसको वो देखना हरे कृष्णा पानी आ गया हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे तस्मै श्रीगुर्वे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी नामे सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य पाद पद परिवाचकाचार्य त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्सत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में राज अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्सत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत सदनारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी के श्री चरण कमलों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार। परसों श्री गुरुदेव कथा के माध्यम से हमें अपने ग्रंथ की महिमा को बतला रहे थे कि ये ग्रंथ ही वास्तव में सनातन संस्कृति सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसकी एक धरोहर है। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर हमारा सनातन धर्म की संस्कृति को हम जान पाते हैं सीख पाते हैं और अपने जीवन को भक्ति मार्ग को सुदृढ़ बना पाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हम इनकी ओर अपना रुख करते ही अगर किसी को बोले कि भाई थोड़ा सा ग्रंथ पढ़ लो तो वो कहता मेरे पास समय नहीं है, इतने मोटे मोटे किताब कहां से कौन पढ़ेगा, कौन समय इनमें लगाएगा, इतना मोटा ग्रंथ पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है। एक बात बताओ, आप कितने व्यस्त हो सकते हो? क्या माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी से भी व्यस्त हो सकते हो? वो भी हर रोज गीता का पाठ करते हैं और गीता केवल भक्ति नहीं सिखाती, हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये भी सिखाती है, हमें कैसे व्यापार करना चाहिए ये भी सिखाती है। और इसका जीता जागता उदाहरण स्वयं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। 2 साल पहले ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये जिस देश में जाता है ना वो प्राइम मिनिस्टर को गीता ही प्रदान करता है, क्योंकि अभी ये गीता ऐसे कोई भाषा नहीं जिस भाषा में ये ट्रांसलेशन नहीं हुई, हर भाषा में ये गीता ट्रांसलेशन हुई है। और जिस देश में जाता है उस प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन रूप में ये भगवत गीता उसको पकड़वाते हैं, कहते हैं भगवत गीता को तो पढ़ा करो हैं। इसलिए रसिया में ये जो लड़कियां आती है देख रहे हो ना, ये रसिया में इतने प्रचार हुई गीता की, इतना प्रचार हुई, आप देख रहे हो लड़कियां कैसे तिलक लगा करके गला में कंठी चोटी और माला लग रही। अभी धीरे धीरे रसिया में इतने प्रचार होने लग गया, लोग सबके सब जोर जोर से बोले, एक बार हाथ उठा करके बोले हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए वहां का जो राष्ट्रपति था ना, बोले भैया गीता में है क्या चीज, ये सबको शराब छुड़ा देता है, हैं सिगरेट छुड़ा देता है, उनको गंजा भांग और ड्रग्स तक भी जो लेते थे, ये गीता पढ़ कर सब उसको छोड़ना शुरू कर देते। फिर ये गीता में है क्या चीज, तब वो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति ने एक गीता खरीदी करके ले करके उसने छुप छुप कर पढ़ा। छुप कर क्यों पढ़ा, अगर लोगों को पता चलेगा मैं राष्ट्रपति होकर गीता पढ़ता हूँ तो सारा दुनिया गीता पढ़ना शुरू कर देंगे। ये हिंदुओं का ग्रंथ सनातन धर्म, इसलिए उसने छुप छुप कर पढ़ा। अब पढ़ करके उसको इतने शांति इतने सुख मिला, वो स्वयं भी भक्त बन गया। गीता पढ़ करके वो भी भक्त बन गया। इसलिए ये गीता की इतने महत्व है, इसलिए हमारे लिए गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, पृथ्वी में सब जगह में अभी ये गीता सबके सब गीता पढ़ते, इसलिए हम लोग जरूर ये गीता को लेकर जाना और पढ़ना। तो बोलो अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य घटना है। 2 साल पहले माननीय मोदी जी जापान में गए और वहां के जो प्रधान राष्ट्रपति हैं, वहां उस समय के जो राष्ट्रपति हैं वो थे सीजो आबे। उन्होंने भारत में बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए उनसे एक लोन लिया 2,00,000 करोड़ रुपए का। कितनी अवधि के लिए, 50 साल के लिए, और गारंटी के रूप में क्या दिया उनको, 200 रुपए की कीता। गीता के माध्यम से मात्र 200 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन ले लिया, 50 साल के लिए लिया। अब आप सोच के बताओ 50 साल के बाद क्या देने वाला जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा, और क्या लेने वाला रहेगा, नहीं रहेगा। जब 50 साल के बाद जो दूसरा प्रधानमंत्री होगा तो वो खोजबीन करवाएगा, भाई ये लोन दिया है तो इसकी जरा जांच पड़ताल कराओ। जांच पड़ताल कराएंगे तो जांच पड़ताल कराने में क्या निकल के आएगा, गीता। और अब गीता तो उसकी समझ में आएगी नहीं क्योंकि उसने पढ़ी नहीं, तो फिर पूज्यपाद बंसी बदन प्रभु जैसे विद्वानों को वहां बुलाएगा और उनसे पूछेगा पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा है, तो वहां वो बताएंगे कि क्यों व्यर्थ रोता है, जो गया वो तेरा था ही नहीं और जो ले गया वो किसी का है ही नहीं। अर्थात गीता ने क्या करा दिया, 200 करोड़ रुपया मुफ्त में दिला दिया। तो गीता हमारी जो है वो हमें हर तरह का व्यवहार करना सिखाती है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत लोग क्या बोलते हैं गीता के विषय में, बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहो बस फल की इच्छा। लेकिन वास्तव में कर्म है क्या, वो सोचते हैं कि जो हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, सुबह से शाम तक बिजनेस कर रहे हैं, यही कर्म है, जबकि ये कर्म नहीं। जिस कर्म को भगवान को समर्पित करके किया जाता है, भगवान को उसमें नाम लेके किया जाता है, वो कहलाता है कर्म योग और वही कहलाती है भक्ति। अब हम उसका उल्टा अर्थ लगाते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म कौन सा कर्म पूजा है इसका हमें कभी पता नहीं। लेकिन ये जो सारी की सारी व्यवस्था है, यानी हमें ग्रंथों के बारे में पढ़ना सिखाना, हमें ग्रंथों को पढ़ने के लिए आज्ञा देना, या ग्रंथों में पढ़ के उस कथा को उस उपदेश को उस शिक्षा को हम तक पहुंचाना, ये काम करते हैं गुरुवर। और इस बात में कोई संशय नहीं है कि देखो जो ओरिजिनल चीज होती है ना, जो वास्तविक चीज होती है, ठीक है उसे समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जिसकी समझ में आ जाती है फिर वो उसे छोड़ता नहीं। जैसे कि गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय में जिसने एक बार अपने आप को शामिल कर लिया फिर वो वहां से छोड़ के नहीं जा सकता। और मैं नमन करता हूं अपने गुरुदेव को कि उन्होंने इस बड़ौत धरती पर आप जैसे भक्तों को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर, आप जैसे जो आपका हृदय था, जो पाषाण रूपी हृदय था जिसमें कुछ बात समाती ही नहीं थी,
उसे इतना निर्मल बना दिया, इतना पवित्र बना दिया कि आप केवल एक व्हाट्सएप पे मैसेज मिला कि कल गुरुदेव की कथा होनी है और आप दौड़े दौड़े यहाँ चले आए। ये केवल और केवल मेरे गुरुदेव का ही कृपा है। और बनाते कैसे हैं, एक समय एक जगह महात्मा जी रहते थे। वो महात्मा जी थे बड़े पंडित, उन्हें बहुत सारी सिद्धियां हासिल हुई थी। उनके पास एक शिष्य भी रहता था। वो शिष्य भी जब गुरुदेव ऐसे हैं तो शिष्य को भी बहुत कुछ ज्ञान था। तो एक दिन क्या हुआ, महात्मा जी तो गए थे कहीं बाहर, तो उनसे मिलने, महात्मा जी से मिलने के लिए बहुत दूर से एक व्यक्ति आया। और उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे महात्मा जी से मिलना है, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत जरूरी काम है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव तो ये नहीं है, गुरुदेव तो रात तक आएंगे और कल सुबह आपसे मिल पाएंगे। वो बोलने लगा कि नहीं, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ और मुझे जाना भी जरूरी है, क्यों? तो वो बोले कि आप बताओ क्या बात है। कहने लगे कि नहीं, आप भी तो गुरु के शिष्य हो, आप बता दो। कहने लगे कि बात क्या है, तभी तो बताओ, बोलो तो। तो उसने कहा कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है और कुछ ऐसा उपाय करके बता दो कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाए। मैंने बहुत जगह उसका इलाज कराया लेकिन कहीं से भी कुछ उसको मतलब इलाज में कोई सुधार नहीं हो पाया, उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पाया। तो उसने कहा कि अच्छा एक काम करो, ये पेपर घर ले जाओ और इस पेपर को घर ले जाकर एक सादे जल में धोकर वो पानी अपने बेटे को पिला देना। तो उसकी बात पे विश्वास करके वो व्यक्ति अपने घर आया और घर आकर उसने उस जल को, उस पेपर को पानी में धोया और वो धोकर उस जल को अपने बेटे को पिला दिया। जैसे ही वो जल पिया वो बेटा उठ के बैठ गया। अब उसको तो लगा कि तो चमत्कार हो गया, ये हुआ कैसे, ऐसा इसमें क्या लिखा था, इसमें पुड़िया में क्या था। वो सुबह ही सुबह अगले दिन नहा धो के एकदम अर्ली मॉर्निंग वहां उसी आश्रम में गया। संयोग बस उसे उस समय वहां महात्मा जी विराजमान मिले और उनसे कहा कि मुझे बहुत बहुत लाभ हुआ, आपके शिष्य ने मुझे ऐसा कुछ करके दिया था, एक पेपर दिया था और कहा था कि इस तरीके से इसको अपने बेटे को पानी पिला देना तो बेटा ठीक हो जाएगा। और वो मैंने ऐसे किया तो वैसे बेटा ऐसे उसके बैठ गया जैसे उसको कोई बीमारी ना हो। तो उन्होंने तभी के तभी शिष्य को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने क्या किया था, ऐसा तुमने क्या दिया था। तो वो बोले गुरुदेव मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने तो एक पेपर पे बस 3 बार राम राम लिख के दिया था और कुछ नहीं दिया। और यही कहा था कि इस कागज को पानी में धो के अपने बेटे को पिला देना। तो इतनी बात सुन के उनके गुरुदेव बड़े रुष्ट हो गए, बड़े क्रोधित हुए, कहने लगे कि एक जरासी जगत की पीड़ा के लिए तुमने भगवान का आश्रय ले लिया और तुम मेरे आश्रम में रहने योग्य नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो शिष्य कहने लगा गुरुदेव मुझसे भूल हो गए, मुझे क्षमा कर दो और भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तो कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समान, गुरुदेव ने उसको क्षमा किया लेकिन साथ में हृदय में एक बात भी आई, इसको ये जरूर बताना चाहिए कि वास्तव में इसने गलती क्या किया है, इसका तो इसको एहसास कराना चाहिए। तो अगले दिन गुरुदेव ने उसको एक पत्थर दिया और पत्थर देकर बोले कि जाओ इसको बाजार में इसकी कीमत अकवा के आओ, बेचना नहीं है, केवल कीमत अकवा के आनी है कि इसकी वास्तव में कीमत क्या है। तो बाजार में गया, सबसे पहले उसे एक सब्जी वाली नजर आई। तो सब्जी वाली से पूछा तुम ये पत्थर खरीदोगे, तो उसने देखा चमकीला पत्थर है, तो कोई बात नहीं मैं खरीद लूंगी, बच्चों के खेलने के काम आ जाएगा, लेकिन बदले में दोगे क्या। कहने लगे जितनी ये सारी सब्जियां ये सब दे दोगे, ठीक है। तो उसने वो पत्थर वापस लिया और आगे उसे टकरा गया एक बनिया, छोटा सा दुकानदार। तो दुकानदार से पूछा कि तुम ये पत्थर खरीदोगे, कहने लगे हाँ देखने में तो सुंदर लग रहा है, सामान तोलने के काम आएगा, बाट के रूप में खरीद लूंगा, कितना पैसा दोगे। हाँ दे दूंगा 1 रुपया। अच्छा, फिर वो लेके उसे एक जोहरी के पास गया,
जोहरी ने उसकी कीमत लगाई 1000 रुपये। फिर वो एक बहुत बड़े सुनार के पास गया, उसकी हिम्मत हौसला बढ़ गया ना, पत्थर था लेकिन धीरे 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 उसकी कीमत क्या हो रही है, ऊंची होती जा रही है। अब वो गया एक बहुत बड़े जोहरी के पास, तो उसने कहा कि तुम ये पत्थर खरीदोगे? अरे ये तो बहुत बड़ा पुखराज है, इसे तो मैं तोड़ तोड़ के छोटे छोटे बहुत सारे पुखराज बना सकता हूँ। तो उसने क्या किया, कहने हाँ खरीदूंगा मैं इसका, तुम्हें 1,00,000 रुपया दे सकता हूँ। तो अब उसका हौसला और बढ़ गया, अब वो उस पत्थर को लेकर चला गया राजा के पास। राजा से के पास जाके बोला कि राजा जी क्या तुम ये पत्थर खरीदोगे? तो अब राजा को तो भी पत्थर की इतनी पहचान नहीं थी, तो उसने बहुत सारे जौहरियों को बुलाया और कहा कि इसकी कीमत आ गई। तो जब जौहरियों ने उसकी कीमत आ गई तो उन्होंने कहा कि महाराज इसकी कीमत हमारे आकलन से परे है, हम इसकी कीमत आंक नहीं सकते, ये इतना मूल्यवान पत्थर है। कहने लगे कि अच्छा। तो फिर राजा ने कहा कि बच्चा तुम ये पत्थर कहाँ से लाए? उसने अपने गुरुदेव का नाम लिया। तो वो राजा उनके महात्मा जी से परिचित थे, उनकी प्रसिद्धि से परिचित थे, तो उन्होंने कहा कि इस पत्थर के बदले में अपना पूरा राज्य दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि राजा जी पत्थर लाओ, बस यही अपमान। तो वापिस की वापिस वो भागे भागे धीरे अपने गुरुदेव के पास आए और सारी की सारी कथा गुरुदेव को बताई। गुरुदेव ऐसे ऐसे हुआ, तो और साथ में एक सलाह भी दी, कहने लगे गुरुदेव बेच दो, सारा राज्य मिल रहा है। कहने लगे बेटा अब इसकी पूरी कीमत आती ही नहीं गई। कहने लगे फिर क्या करूं? आप एक काम करो, अंदर जाकर कुछ लोहा लेके आओ। तो वो लोहा लेके आए, जब लोहा लेके आए और गुरुदेव ने वो पत्थर उस सारी की सारी कथाएं हमारे अंदर भर भर के हमें वही पारस का पत्थर बनाते हैं, हम जिसको भी स्पर्श करते हैं वही हमारे हरे कृष्णा कहने के लिए मजबूर हो जाता है। इसीलिए हमें गुरुदेव के चरणों का आश्रय करना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हम गुरुदेव के चरणों में निष्ठा रखेंगे। अगर गुरुदेव के चरणों में निष्ठा नहीं है तो फिर आप चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ो, कितनी भक्ति करो, सब व्यर्थ है। अभी कुछ कहूं हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन हमारे जो नाम अपराध है, 10 नाम अपराध, उसमें से एक नाम अपराध ये भी है कि हरि भक्तों की, गुरुओं की निंदा को करना और निंदा को सुनना, ये महाभयंकर अपराध है। कहते हैं कि जिसने ये अपराध किया और करता ही जा रहा है, अपने आप में वो सुधार नहीं ला रहा, तो उसकी आने वाली पीढ़ियों तक की भक्ति नष्ट हो जाती है। इतना बड़ा भयंकर अपराध है। तो, और अगर सुनने के बाद और हम फिर भी उसे बता दें और हम फिर वहीं जा रहे हैं जहां हमें उसकी निंदा सुनने को मिल रही है, तो हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए आप सबसे बस हाथ जोड़ के इतनी विनती है कि भक्ति तो करो, लेकिन उस भक्ति को जितनी कर रहे हो उसे संचित करके रखो, उसे नष्ट मत होने दो। बस इतना सा काम आपको करना है, क्योंकि अगर जमा करोगे तभी तो उसमें कुछ और डालोगे आगे बढ़ेगी, और पता लगा अगर अगली डाल रहे हो और पता लगा पहले वाली वहां है ही नहीं। तो इसलिए भक्ति में उठना तो बहुत देर में होता है, लेकिन पतन होने में एक पल लगता है। तो इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने आप को भक्ति मार्ग पे लेके चलो, लेकिन उसको पतन होने से बिल्कुल बचा के रखें। हरे कृष्ण मांझा कर हरि ओम। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने शिष्यवते भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामीति नामिनः। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्चेष्टं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वं सिद्धां नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवशादी श्री गौर भक्तवृंदा
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद नित्य लीला भीष्म जगत गुरु ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश श्रीमद भक्ति वेदांत परमहंस कृपाचार्य वक्त्र दंडी स्वामी श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभिचंद कमलों में अनंत छोटी साष्टांग दंडक प्रणाम करते हुए उनके हित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत मध्य शिक्षा गुरु के मन चासी व्यास स्वरूप श्री श्रीमद भक्तिदान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडक प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की मैं वांछा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त वैष्णव गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडक प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। एवं सभी उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र मंडली कथा विपासु स्रोत मंडली सज्जन वृंद सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडक प्रणाम है और आप सबके भी मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हरे कृष्ण। देखिए जैसे अभी बलराम प्रभु बोल के गए, सिर्फ मैं 5-10 मिनट ही कुछ बोल के आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास करूंगा कि हमको समझना पड़ेगा भक्ति के विषय में, और समझना विशेष रूप से उनको पड़ेगा जो यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं, जो न्यू जनरेशन हमारी बैठी हुई है, कि किस प्रकार से हम इस अपनी सनातन संस्कृति को संजो कर अपने अंदर बाहर तक लेके जा सकते हैं। जैसे श्री महाराज जी विदेशों में जाके संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा। छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एक नौजवान व्यक्ति था, लड़का, उसकी ना एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में जॉब लगी और वो बैंगलोर, उसको अपॉइंटमेंट मिला बैंगलोर, और आईटी कंपनी भी थी वो साइंटिफिक रिलेटेड कार्य था। तो हमारे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है विनोबा भावे, आप लोगों ने नाम सुना होगा विनोबा भावे, जिनका बेंगलुरु में एक रिसर्च सेंटर भी है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहाँ उनकी नौकरी लगी। तो वो जब वहाँ गए तो उन्होंने कंपनी के बाहर एक ऐसी स्लिप लगी हुई थी, तो वहाँ एक व्यक्ति को जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है और कुछ पढ़ते हुए देखा। जब उन्होंने उनके निकट जाकर देखा तो देखा कि वो श्रीमद् भगवद्गीता को पाठ कर रहे हैं, और तो वो नौजवान लड़का था उसने उनको बोला कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ के क्या होगा, देखो मुझे आज इस संसार की जो पढ़ाई मैंने करी, आज इस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में मेरी नौकरी लगी है और मुझे आज यहाँ नौकरी मिली है, मैं एक वैज्ञानिक के रूप में यहाँ पे आया हूँ। तो उनसे उनका वार्तालाप हुआ, तो वो जो सज्जन थे जो उस भगवद्गीता को पाठ कर रहे थे उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो उसकी बात सुनते रहे। सुनने के बाद में सुनते सुनते फिर जब 10-20 कुछ मिनट बीत गए तो एक बहुत बड़ी गाड़ी आके वहाँ रुकी कार, और उस कार से कुछ व्यक्ति 2-4 व्यक्ति निकले और वो जो सज्जन भगवद्गीता पढ़ रहे थे उनके पास आकर उनको उनको सल्यूट करा, प्रणाम करा, नमस्ते करा, और करने के बाद में उनको ऐसे छाता दे के और गाड़ी तक लेके गए। तो वो जाके बैठ गए और बैठ गए, तो जब वो बैठ गए तो वो जो नौजवान लड़का था जो उनसे कह रहा था आपको भगवद्गीता पढ़ के मिलेगा क्या, तो उन्होंने उनसे पूछा नौजवान ने कि सर आप कौन हैं, बोले कि आपको जहाँ नौकरी मिली है ना जिस रिसर्च सेंटर में, ये मेरे द्वारा ही स्थापित किया हुआ, मैं ही विनोबा भावे हूँ। तो हमारे देश के जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं सर विनोबा भावे, जिसका जिनके नाम से हमारे देश में एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वो श्रीमद् भगवद्गीता का पाठ कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमको भी करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए, और हमारी नौजवान पीढ़ी को तो जरूर जरूर करना चाहिए। कि जैसे वो बता रहे हैं कि ये एक कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये हमको जीने की कला सिखाती है, ये हमको हमारी विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रहने की एक कला सिखाती है। हमारा जीवन कितना परिस्थितियों से भरा हुआ है, हर दिन नई नई परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जो भी श्रीमद् भगवद्गीता का पाठ करता है उसको उस परिस्थिति में कैसे खड़े रहना है ये जरूर आ जाएगा, और जब उसको आ जाएगा तो उस परिस्थिति को वो पार कर जाएगा। तो यहाँ पे उसकी निश्चित रूप से भगवान जैसे अर्जुन को कहते हुए कहते हैं कि विजय को आप प्राप्त करेंगे, तो उसकी संसार में ऐसे विजय होगी। तो हमको श्रीमद् भगवद्गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। दूसरी एक बात मुझे मेरे किसी भक्त ने अभी यहाँ आते हुए बोली कि प्रभु जी इस बार यहाँ पे कथा हुई है पहली बार, पहले तो पंचवटी मंदिर में कथा हो रही है पिछले काफी सालों से, तो हमारा आना जाना रहता है, महाराज जी कृपा करके बुलाते हैं, हम लोग रात में कथा सुनते हैं, कुछ बोलने का भी प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो अभी कथा में पहली ही बार आए हैं, वहाँ नहीं आ रहे थे, अभी किसी भी प्रकार से किसी के भी माध्यम से यहाँ आए और आके भी कथा सुन रहे हैं महाराज जी से पिछले 4 दिनों से और आज 5वां दिन है। तो ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो पहली बार आए हैं और उनको नाम की महिमा बताई जा रही है,
उनको तिलक की महिमा बताई जा रही है, उनको कंठी की महिमा बताई जा रही है, बहुत सारी चीजें कथाओं के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो नाम की बड़ी विशेष महिमा है। इसको हम समझने के लिए पहले हम ये समझेंगे एक उदाहरण से कि नाम कितनी अनमोल वस्तु है। एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूं, फिर महाराज जी कथा को शुरू करें। एक व्यक्ति भ्रमण करते करते एक किसी बहुत ही ऐसे गांव में पहुंचा जहां साधनों का अभाव था, जहां ना लाइट थी ना कुछ और अच्छी व्यवस्थाएं थी, सुविधाएं थी। जब वो उस गांव में पहुंचा तो गांव में पहुंचने के बाद उसको जो सबसे पहले गांव के अंदर जाकर दर्शन हुआ एक शमशान का हुआ। ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि नाम कितनी अनमोल वस्तु है और ये हमारी जो आयु है ये कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जब वो उस गांव में प्रवेश करने के बाद में उन्होंने गांव में सबसे पहले देखा एक शमशान को जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है। तो उन्होंने वहां जाकर देखा यहाँ तो मुर्दों को जलाया जाता है, ठीक है। वहां जाकर उन्होंने बहुत अलग आश्चर्य वाली बातें देखी कि देखा कि जहाँ जिस मुर्दे को जलाया गया था वहां उनका नाम और उनकी उम्र लिखी हुई है, तो उन्होंने पढ़ा, किसी का नाम देखा कि भैया ये तो चंद्रमोहन जी हैं कोई, लेकिन आयु इनकी लिखी हुई है 4 वर्ष। ऐसे उन्होंने 4-6 नाम पढ़े और उनसे की आयु देखी तो किसी की 5 वर्ष, किसी की 8 वर्ष, किसी की 10 वर्ष, ऐसे सारी आयु उन्होंने देखी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य की बात भी है कि इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 10 वर्ष की आयु जिसकी ज्यादा हो, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, हर व्यक्ति एक अपनी आयु पे जाके शरीर को छोड़ देता है। तो लेकिन किसी ने ऐसी आयु को प्राप्त नहीं करा जो 10 वर्ष से ज्यादा है, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। संध्या का समय था, वो गांव के अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद में वहां उसने 2-4 लोगों से बात करी। बात करके पता चला कि भाई मैं क्या कहते हैं एक भ्रमण करने वाला व्यक्ति हूँ, भ्रमण करते करते आपके गांव में आया हूँ, तो मुझे आज रात यहाँ रुकना है। कहाँ रुका जाए? तो किसी ने बता दिया कि यहाँ के जो प्रधान हैं वो जो है आपको उचित व्यवस्था दे देंगे आपके रुकने की। तो वो वहाँ चले गए किसी के द्वारा। वहाँ जाके उन्होंने अपना रात को सुबह प्रसाद पाया। सुबह होने पर उन्होंने उनसे वार्तालाप कराया कि प्रधान जी, जब मैं इस गाँव में आया तो सबसे पहले मैंने कल शाम को शमशान में देखा कि वहाँ जो भी इस गाँव का व्यक्ति मरा है उसकी आयु लिखी हुई है। तो आयु सबकी 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष इतनी ही है, लेकिन मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि सभी लोग कोई 70 वर्ष का भी है, कोई 80 वर्ष का भी है, आप स्वयं 65 वर्ष के हैं और सभी लोग तो हैं, हर उम्र के व्यक्ति हैं, लेकिन वहाँ ऐसा क्यों लिखा हुआ था? तो वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं समझाते हुए, हम लोगों को समझाते हुए कि कथाओं का सार क्या है कि हम लोग समझ सकें, कथाओं के माध्यम से हम समझ सकें जीवन को, जीवन की वास्तविकता को, ये कथाओं का सार है। तो वो बताते हैं कि देखो भैया हमारे यहाँ ना 10 वर्ष पूर्व एक संत आए थे, हमारे गांव में 10 वर्ष पूर्व एक संत आए थे और उन संतों ने हमको बड़ी सुंदर भगवान की कथाएं सुनाई और भगवान की कथाएं सुना के हमको ये समझाया कि जो मनुष्य जीवन है ना ये बड़ा दुर्लभ है। ये मनुष्य जीवन कैसा है? बड़ा दुर्लभ है ना। एक चौपाई भी आती है ना मानस में कि बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ तब ग्रंथन गावा, कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसा मनुष्य जीवन हमको मिल गया है भगवान की हेतु की कृपा से। तो इस देव दुर्लभ देह को प्राप्त करके हम क्या कर रहे हैं ये समझना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जब वो संत हमारे गांव में 10 वर्ष पूर्व आए थे ना, उन्होंने भगवान की सुंदर कथाएं सुनाई, हमको जीवन का रहस्य बताया, इस मनुष्य जीवन को हम कैसे अनमोल बना सकते हैं। तो जब वो संत कथाएं सुना के चले गए तब उन्होंने यही बताया कि देखो तुम कुछ भी करो इस जीवन में, घर गृहस्थी में रहते हुए कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को भगवान से जोड़ के सारे कार्य करो। भगवान से जोड़ के जब आप सारे कार्य करेंगे तो वहीं आपका सारा जो कार्य है वो कर्म ना होकर योग हो जाएगा, है तो आप कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे और भगवान की सेवा आपके जीवन में आ जाएगी। तो कर्म का जो फल है वो नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। हमारी वो क्रिया जो कर्म जैसी दिखाई देती है वो कर्म नहीं है, वो भक्ति है, क्योंकि हम भगवान को सेंट्रलाइज करके सारे के सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस कलयुग में जो श्रेष्ठ उनको भगवान की सेवा का साधन बताया वो लेकिन नाम। जैसे कल मैं
फेसबुक पे सुन रहा था तो मेरे को याद आया, मैंने आज महाराज जी से भी चर्चा करी कि हमारे अनिरुद्ध प्रभु कल बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे और बहुत सरल शब्दों में सार गर्भित बातें वो कह रहे थे, क्योंकि फेसबुक पे मैं लगातार देख रहा हूँ उन्होंने कितने सरल शब्दों में कितनी सरल व्याख्याएं करी हैं नाम के संबंध में, कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हरि सब जगत निस्तार, नाम बिना कली काले ना ही आर धर्म, सर्वनाम सार मंत्र यही शास्त्रीय मंत्र, इस कली काल में नाम के बिना कोई धर्म नहीं है। हम कितने धर्मों के चक्करों में फंसे हुए हैं ये हमारी अज्ञानता है, लेकिन एकमात्र धर्म है वो नाम है, भगवान का नाम है। तो उन संत ने हमको ये समझाया 10 वर्ष पूर्व और हमको हरि नाम दे दिया, भगवान का नाम दे दिया। जो व्यक्ति उस समय भगवान के नाम से जुड़ा था तो उसकी आयु हमने माप ली, कितनी माप ली कि भैया एक जो परम आयु है ना उसमें से हमारी जो वास्तविक आयु है वो हम वही मानेंगे जो हमने भगवान का नाम करते हुए बिताई है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो जिसने 10 वर्ष पूर्व उन संत से हरि नाम ले लिया था जब वो शरीर छोड़ के गए तो उनकी आयु कितनी थी 10 वर्ष आज, और जिसने 8 वर्ष साधन करा नाम करा उसकी आयु 8 वर्ष, जो बेचारा 4 साल ही कर सका उसकी 4 वर्ष, और जिसने अभी 2 साल पहले लिया उसकी 2 वर्ष, भले ही वो 70 साल का हो गया हो लेकिन वास्तविक आयु कितनी है जितनी नाम करते हुए बिताई। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप सभी लोग समझदार हैं, जिन लोगों ने पूर्व पूर्व श्री महाराज जी से नाम को ग्रहण कर लिया है वो तो नाम कर ही रहे हैं, जिन लोगों ने नाम ग्रहण नहीं करा है अभी महाराज जी 3 दिन यहाँ और हैं, आप जितनी जल्दी हो सके हैं, जितनी जल्दी हो सके, शास्त्र कहते हैं शुभम करोति कल्याणम, शुभ कार्य को जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी कल्याण होगा, इससे बड़ा शुभ कार्य नहीं है जीवन में कि आपको या हमको हमारे जैसे कुछ जीव को कोई संत सीधा भगवान से जोड़ते हैं, कितना बड़ा संबंध बनाते हैं आप कल्पना कर सकते हैं, इतने बड़े संबंध की हमारा संबंध किससे करा रहे भगवान से, ये साधु ही कर सकते हैं और ऐसे साधु हमारे निकट विराजमान है, ये भगवान की अहितु की कृपा होती है। हमने कुछ ऐसा नहीं करा कि ऐसे साधु का दर्शन कर सकें ऐसे साधु का संग कर सकें, लेकिन भगवान की अहितु की कृपा हुई, ऐसे साधु कृपा करके स्वयं चल के आते हैं और हमको अपना सेवा के उद्देश्य से कुछ ऐसा करके कुछ हमको दे जाते हैं जो हम जीवन पर्यंत उसको करते रहें और करके लाभ उसको हम प्राप्त करते रहें। तो आप सब लोगों के चरणों में यही निवेदन है, जितनी जल्दी हो सके इस नाम को अपने जीवन से जोड़ लो, जोड़ेंगे ना, क्योंकि इसको नहीं जोड़ा ना तो कुछ भी जोड़ लो सब माइनस होता जाएगा, कुछ भी ऐड नहीं हो पाएगा जिंदगी में, माइनस ही होगा, सब माइनस होगा सब, एकमात्र भगवान के नाम को आप जोड़ लो फिर सब प्लस होता चला जाएगा। तो इस भगवान के नाम से आप गुरु पद आश्रय करके जुड़िए और अपने मनुष्य जीवन को पूर्ण रूप से लाभान्वित कीजिए, ठीक है। और एक बात अंत में जैसे मैं कहता हूं कि ये बात सबको समझ में आती है, एक हापुड़ में भी महाराज जी ने आदेश दिया तो हमारे पूज्य पाद नवीन प्रभु भी वहां पर थे और मैंने एक बात बोली, यही बोल के मैं विश्राम करता हूं, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। किस कोई शायर कहता है, महाराज जी बोल दूं, कोई शायर कहता है कि कपड़ों की आवो ताव दिखाने में रह गया, समझना इस बात को सभी लोगों की समझ में आएगी, कपड़ों की आवो ताव दिखाने में रह गया, मैं अपने यार दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया, कपड़ों की आवो ताव दिखाने में रह गया, मैं अपने यार दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया, अरे माल खजाना लूट के ले गए ये लोग, माल खजाना लूट के ले गए ये लोग, माल खजाना क्या है हमारे जीवन में, जैसे बलराम प्रभु बता रहे थे ना साधु की जो कृपा है ना वो भगवान को दे देते हैं और उस भगवान के रस को तो ये लोग लूट रहे हैं दिन रात 24 घंटे भगवान के भजन में आनंद में इतने डूबे रहते हैं ना देह की भी सुख नहीं रहती और हमने तो प्रत्यक्ष इन जड़ आंखों से ही श्री महाराज जी को भी देखा है कैसे डूबे रहते हैं भगवान के भजन के आनंद में। तो माल खजाना लूट के ले गए ये लोग, मैं चंद हसीन चेहरों को रिझाने में रह गया, हमारा जीवन ऐसे ही निकलता है नहीं निकलता है बताइए, अगर हमारा जीवन ऐसे नहीं निकलता है तो मुझे बताइए कि कपड़ों की आओ ताब हम सिर्फ अपने तन को ढकने के लिए सुंदर सुंदर कपड़ों को देखते रहते हैं हमेशा, मैं इसकी पूरी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग समझदार हैं समझ सकते हैं कि कपड़ों की आओ ताब दिखाने में रह गया, मैं अपने यार दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया, माल खजाना लूट के ले गए ये लोग, मैं चंद हसीन चेहरों को रिझाने में रह गया।
इन्हीं शब्दों के साथ में विराम करता हूँ। वंशा कल चतुर्वेदी जनार्दन आया है, तपन प्रभु कर के जनार्दन तपन कोई है, तपन प्रभु है यहाँ पर का है, तपन इधर आ जाओ, तपन प्रभु आ जाओ, तपन तपन कहा है, इधर आ जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे दो भी बहनी है, लेकिन अपना ग्रेजुएशन खत्म करके दो बहन अभी शादी नहीं हुए, लेकिन इन्होंने सारे पिता माता की ममता को छोड़ करके और अकेले आ करके रह करके भक्ति करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। आपका अकेला बेटा हो, अगर बोले बोले साधु बन जाए, अब बनने दोगे? चोटी पकड़ कर खींच कर ले जाओगे इसको, हाँ चोटी पकड़ कर खींच कर ले जाओगे, लेकिन देखो इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ आ करके और अपना देश छोड़ करके विदेश में कहीं रह करके और अकेले रह करके
हरि नाम करना, भक्ति करना। मंदिर में आते हो? कौन कौन मंदिर में आते हो? और ठाकुर जी को इतने सुंदर श्रृंगार करना है, फिर रोज लोगों को भगवान की कथा सुना करके भक्ति में इनको उत्साहित करना, ये साधारण बात है ही नहीं, एकदम साधारण बात नहीं है। इसलिए आप लोग माताएं और यहाँ पर इधर जो पिता लोग बैठे हो, आप लोग हृदय से ये बच्चों का आशीर्वाद दो, हृदय से आप लोग इनका आशीर्वाद दो, जैसे ये लोग भक्ति करें और आप लोगों को इतने उत्साहित करके, इतने भक्त लोग जुड़े कैसे। एक तो नवीन प्रभु यहाँ धारा लेकर के आए, धारा को लेकर के आए और अभी धारा तो लाए, अभी ये धारा को कंटिन्यू ही रखना है, इसको कंटिन्यू रखना। लेकिन ये बच्चे और एक जनार्दन प्रभु है ना, जो यहाँ पर जो जो बच्चे रह रहे वो अभी तक आए नहीं, वो भी पिता माता की एक बेटा है, एक बेटा पिता माता की उनका, और एक बहनी है, केवल एक बेटा है। लेकिन अच्छे लिखे बड़े हाँ, वो अच्छे लिखे बड़े हैं बच्चे लोग, लेकिन अकेले होकर के इधर आ करके रह करके विदेश में भक्ति करते हुए आप लोगों को इतने उत्साहित करना। मैंने नवीन प्रभु को पूछा, मैंने देखा इस साल तो बहुत ज्यादा ही भक्त आ रहे हैं, पहले तो उधर कथा होती थी पंचवटी में भक्त तो आते थे, लेकिन इस बार कितने भक्त आए हैं, कभी भी इतने भक्त आए नहीं। मैंने पूछा बताओ इतने भक्त लाए कहाँ से, बोले ये दोनों बच्चे मंदिर में रहते हैं ना, प्रचार करते हैं, और हमारे बलराम प्रभु, प्रेमचंद प्रभु और उनका एक टीम है, घर घर में जाकर, केवल घर नहीं बड़े दूर तक जा जा कर के भी ये बच्चे लोग घर घर में प्रोग्राम करते हैं और लोगों को बुलाते हैं, भक्ति में लगाते हैं। इसलिए बहुत जो छोटे छोटे बच्चे लोग कथा सुना रहे हैं ना, इन लोगों ने सब सिखाया है, इन लोगों ने सिखाया। इसलिए आप लोग सबके सब ये बच्चों का आशीर्वाद दो, ये बच्चे जैसे रह करके हैं, बच्चे लोग रह करके भक्ति करे और आप लोगों को भी भगवान की भजन में लगाते रहे। अभी प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुना, तुम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय श्री राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्री श्रीमद्भक्ति वजन श्री सिद्धर वैष्णव महाराज प्रभा चरणारविंद अनंत कोटि साष्टांग पुष्पांजलि अर्पण करते हुए अनुग्रहित कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलाभ प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस श्री श्रीमद्भक्ति वजन श्री नारायण गोस्वामी महाराज जगन्नाथ स्वामी बलभद्रदेव सुभद्रा देवी सुदर्शन जी महाराज श्री राधा दामोदर जी राधा गोविंद उपस्थित समस्त भक्तवृंद वैष्णव वैष्णवी सतीर्थ गुरु भक्तवृंद सबकी जानवतम यथाधन स्वीकार। एक बार सारी सारी चिंटी ये होता है ना, उनका एक बड़ा सा मीटिंग हुआ। मीटिंग क्यों हुआ ना, वो उनके जो राजा था उसका पंख आ गया है। चिंटी जब बड़ा हो जाता है उनका पंख आ जाता है ना, वो उड़ने भी लगते हैं, मगर ज्यादा दूर उड़ नहीं पाते भारतीय का। तो मीटिंग का सार वस्तु ये था कि उसमें ये एक बिल पास करवाना था। क्या उसमें लिखा हुआ था कि चिंटियों से बढ़ के और कोई जीव इस संसार में नहीं है और कोई प्राणी इस संसार में नहीं है, समझ में आ गया। तो मीटिंग पास हो गया और सबसे ये बिल पास हो गया कि
सारी सारी जगत की सबसे बड़े प्राणी कौन है? चींटी। तो उसी समय क्या है, पास में लोग रहा था, थोड़ा थोड़ा कुछ काम हुआ, वो पानी पी रहा था, और पानी पीने के बाद वो क्या ऐसा कुछ लगा तो वो क्या पानी ऐसे बाहर फेंक दिया, और फेंकते फेंकते सारी सारी चींटियां क्या हुआ बाढ़ आ गया, सब बाहर उसमें तैर गया। तो उसमें चीज ये है कि चाहे तुम मानो या ना मानो, अगर तुम्हारा कुछ अज्ञानता है तो उसमें दूसरे की कुछ दोष नहीं। तो चींटियां भी क्या सोच रहे हैं कि हमसे बड़े प्राणी कोई नहीं, मगर कोई छोटे से आदमी का एक छोटी सी वजह से सारी सारी चींटियों में क्या आ गया, बाहर आ गया। तो गुरु जी तो बड़ा बड़ा प्रशंसा किए, मगर प्रशंसा के पात्र हम लोग नहीं है, और यहाँ भी इतने बड़े बड़े भक्त है, इनके सामने क्या बोल रहे हम चींटी है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं आता है। चलो ठीक है, गुरुवर की वाणी सुनाना है। तो सारी सारी भक्त तथा जो भगवत प्राप्ति करने के लिए चाहते उनका मन में एक भावना होता है क्या ना, हम जल्दी से जल्दी कम साधन के द्वारा कैसे वो भगवान को प्राप्त कर ले, तथा उनका स्मरण कैसे हमारे मन में आ जाए, हम उनका अष्टकालीन लीला में कैसे प्रवेश करें, ऐसा ही भावना आता है, क्योंकि हम कम परिश्रम में ज्यादा कुछ प्राप्त करने के लिए चाहते, इसलिए हमारी भावना ऐसा हो गया। तो ये चाह रहे क्या ना, भगवान की स्मरण, भगवान की भक्ति, तो इसका महत्व क्या, ये किसे प्राप्त होगा, साधन नहीं करो दूसरा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि साधन ही एकमात्र क्या है वो वस्तु को प्राप्त करा सकता है। तो ठीक उसी तरह अगर कोई राधा कृष्ण तथा रघुनाथ जी राधा गोविंद को प्राप्त करने के लिए चाहेगा, तो उसके लिए पहला जो प्रोसेस है उसको अवलंबन करना पड़ेगा, और नहीं करो तो कैसे प्राप्त होगा। तो इसलिए क्या है उपाय ना, एक ही चीज है, हमारा मन हमारा चित्त भी उसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसका अंदर उसी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, अधिकार नहीं है, इसलिए क्योंकि उसकी लंबा प्रोसेस है, उसको अवलंबन करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो वो वस्तु की सेवा प्राप्त होगा। तो इसलिए कहा गया कि सुखा वर्ष दिव्रीभा वैरकांत मानस कथम तत्र मुकुंद से स्मृति संभावना भवे, एक वस्तु हमारे पास है वो अगर हमसे कुछ कारण के लिए चला गया तो उसका विरह का हमारे क्या हो जाता है ना, सुख शोक हो जाता है, जो प्राप्त वस्तु खो जाता है उसका मतलब जो खो जाने में क्या हो जाता है ना, शोक हो जाता है और विरह भी होता है, मगर विरह शब्द केवल ही केवल वस्तु के लिए उद्दिष्ट, ये जगत की जगत के लोग के लिए केवल शोक ही उद्दिष्ट, शोक मर्ष और क्या हो जाता है ना, मोह हो जाता है किसी वस्तु के प्रति, लोभ हो जाता है। अगर एक वस्तु हमको प्राप्त हो गया तो क्या हो गया, उसके प्रति लोभ हो गया, अगर प्राप्त नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, क्रोध हो जाता है, और ये दोनों लोभ और क्रोध लोग शरीर जीव जीव के लिए खराब है। तो ये छोटी सी कार्य में जिसका लोभ आ जाता है, जिसका क्रोध आ जाता है, जिसका शोक आ जाता है, मगर उसी मानस में उसी चित्त में ये भगवान की स्मरण भगवान की भक्ति जिसको राज विद्या राज गुहम पवित्र इदम उत्तम कहा गया, वो वस्तु की हमको प्राप्त हो सकता है, बोली कभी संभव नहीं। इसमें क्या करना चाहिए ना, हमारा श्रील जो छह गोस्वामी से अन्यतम श्री रूप गोस्वामी बाद एक अद्भुत ग्रंथ का आलोचना किए, जिसको हम मठ में बड़ा अच्छे से इसे शरबत करके कोल्ड ड्रिंक्स करके पिलाते हैं ना, वही उपदेश अनुसार सबको पिला दी, और जिसको मुझे प्राय सारी की सारी श्लोक याद है। तो ये समझने की बात, अगर किसी कोई रोग हुआ तो अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा तो पहले डॉक्टर उसके रोग के लिए दवाई नहीं देता है, पहले किसके लिए दवाई देता है, बल्कि अगर उसका मन मूत्र आदि बंद हो गया तो पहले उसको निकालता है, और निकालने के बाद तो उसका जो रोग होता है उसके लिए दवाई देता है। ठीक उसी तरह हमारा ये जो चित्त अत्यंत क्या भी मलिन हो गया है उसमें भगवान की स्मरण अभी संभव नहीं, तो इसलिए जो अनर्थ है जी का अंदर जितने सारे कुसंस्कार जितने सारे दुर्गुण है वो अगर निकल गया नहीं, अगर चित्त शुद्ध नहीं होगा तो इसमें भगवान की स्मरण असंभव। तो इसलिए क्या करना चाहिए ना, जीव में जो पहले क्या चीज ना, जो अंदर में जो कुसंस्कार आदि कुगुण दुर्गुण इत्यादि है उसको पहले त्याग करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे रूप गोस्वामी उपदेशामृतक ग्रंथ को लिखे, जो वास्तव में तो श्रीमद् महाप्रभु ने अपनी पार्षदगण को प्रदान किए थे, मगर इसको लिपिवादी के श्रवण के लिए कौन केवल केवल ये रूप गोस्वामी
तो उसका जो पहला वाला श्लोक है बड़ा अद्भुत। यद्यपि वो भजन की क्रम अनुसार एक एक चीज से क्या क्या उत्कृष्ट है उसका पर लास्ट में जाके बताए कि सबसे उत्कृष्टतम भजन के लिए क्या है ना राधा कुंड। एक स्थिति से जाके वो उसी राधा रानी के भाव में प्रवेश करते हैं और पहले शुरू किए कहां से ना बाच वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो पहले शुरू कर रहे हैं क्या बाच वेगम वाणी का वेग। तो इसको समझेंगे कि वाणी का वेग क्या है। इसे पहले के लिए अगर कोई ग्रंथ लिख रहा है तो वो पहले क्या रखना चाहते हैं, बोले ऐसी चीजें पहले रख लूंगा जिसे दर्शन करते ही क्या करेंगे सब इसके प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। मगर ये रूप गोस्वामी का जिसे अद्भुत ग्रंथ लिखे मगर बात जो बेगम से शुरू किए उसका कुछ महात्मा जरूर ही जरूर होना चाहिए। बोले क्या वो महात्मा, बोले कि वाणी का वेग। ये वाणी का वेग में क्या है, बोले कि वाणी की ऐसा चीज है शरीर में देखो कितने सारे भगवान अंग सृष्टि किए और सारी सारे अंग का एक एक कार्य दिए। जैसे आंख का दर्शन करना, आंख में कोई खा सकता है कोई सुन सकता है, आंख की कार्य केवल ही केवल क्या धन दर्शन करना। ठीक उसी तरह कर्ण की कार्य क्या है श्रवण करना, कर्ण में कोई देख सकता है खा सकता है और कुछ साधन कर नहीं सकता है। ठीक उसी तरह मगर भगवान ने जिह्वा को सृष्टि कर दी है मगर जिह्वा का दो कार्य है क्या करना बोलना और स्वाद का आस्वादन करना। तो इसलिए ये एक अंग है मगर कार्य तो उसमें महात्मा ज्यादा। इसी वाणी को अगर आप अच्छे यूटिलाइज करोगे तुम्हारा गला में आके माला पड़ जाएगा और उसी वाणी को अगर तुम गलत यूटिलाइज करोगे तुम्हारा गला में आके चाकू लग जाता है। इसलिए उसका महत्व पहले है। तो कौन सा वेग है वो महत्व। तो उसी बात वेगम क्या है उसमें समझाने के लिए अच्छा सा उदाहरण है क्या ना। एक बार राजा जी स्वप्न देश देखे, स्वप्न देखे बोले क्या ना उनके सारी सारी दांत गिर जा रहे हैं। ठीक है बाद के भी आएंगे स्वप्न में से देख रहे एक बार एक एक दांत क्या है गिर रहा है। तो राजा तो बड़ा आश्चर्यचकित है। वो राजा इसे साधारण हमारे जैसे गरीब नहीं है। सुबह सुबह उठे तो सारी सारी ज्योतिष पंडित बुलाए भाई सब आ जाओ मैं कल रात में इसे स्वप्न देखा तो इसमें क्या इंडिकेटर मिलता है इसका क्या पहले सूचना मिलता है। तो सारी सारी ज्योतिष लग गए भाई राजा जी स्वप्न देखे साधारण नहीं। तो स्वप्न में राजा देखे कि सारी सारी दांत गए तो उनके ज्योतिष गणना के अनुजाई ये पता चला कि ये जो राजा जी है अभी मरने वाले हैं और ये दांत में गिरा है लेकिन उनका परिवार वर्ग मर रहे। तो उनसे जो श्रेष्ठ था ज्योतिष वो राजा जी पूछे भाई क्या इसका गणना हो गया बताओ सूचना क्या मिल रहा है इंगित क्या हो रहा है। तो वो बोले हे राजा इसे ये इंगित मिल रहा है कि अभी आप मरने वाले हो और ये दांत में गिरा है और एक एक तुम्हारा परिवार वर्ग जा रहा है। बोले राजा तो बोझा लोग होते माथा में क्या जूझ रहा है चलो मार दो पहले फिर बाद में देखते हैं क्या हो रहा है। तो राजा का कहते हैं ये ज्योतिष को पहले क्या दो सूर्य में दो समृद्ध गण दे दो सारी सारी ज्योतिष डर के भागे क्या करना है। राजा ने क्या किया मृत्यु दंड दे दिए यद्यपि सारी सारी ज्योतिष एक ही गणना था ये सही है ये मृत्यु से ये सूचना मिलता है राजा भी मरने वाले है और उनके सामने एक एक सारी सारी क्या मरेंगे ना परिवार वर्ग मरेंगे। तो वाणी का वेग की देखो कैसे। तो राजा ने पुनः सारी सारी सूचना दे दी राज्य में कि देखो तुम क्या करो ना और न्यू ज्योतिष लोगों को बुलाओ और इसका क्या गणना हो रहा है सूचना दो। तो अगर कल सुबह तक ये सारी सारी गणना मतलब स्वप्न की सूचना नहीं बताओगे तो मेरे राज्य से सारी सारी ज्योतिष लोगों को मार डालूंगा। तो सब तो डर गए क्या करवाना है अभी मगर यही तो ही गणना आ रहा है कि राजा मरने वाला है और राजा इसमें गुस्सा करे और किसे मार डाले अगर हम बोलेंगे हमको भी मार डालेंगे। तो क्या किए एक बड़ा सा विद्वान ज्योतिष था वो खुद राजा के पास आया और क्या बोलने लगा कि हे राजा जी इसमें ये सूचना मिल रहा है कि आप सबसे दीर्घजीवी हो और आपके जितने सारे परिवार वर्ग है उससे आप ज्यादा बचने वाले हो। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया उनको बहुत सारे इनाम दे दिया। तो इसमें प्रश्न आता है ज्योतिष झूठ बोला क्या नहीं क्या बोला कि आपके जो परिवार वर्ग उसमें आप दीर्घजीवी हो मतलब आप बाद में मरोगे पहले ये लोग मर गए। बात वही चीज को बोल रहे थे हमारे क्या बोले कि राजा आप तो मरने वाले हो तुम्हारे सामने दांत नहीं तुम्हारा परिवार वर्ग मर रहे थे। तो इसलिए देखो बात को थोड़ा घुमा लिया और इधर तो किसको मृत्यु दंड मिल गया और इधर किसको इनाम मिल गया बोले कि राज महाराज की जय। तो देखो ये है वाणी का वेग
अगर अच्छा से यूटिलाइज करोगे तो माला, अगर बुरा यूटिलाइज करोगे तो चाकू। तो अरे माता जी लोग की बात क्या, मैं कई बार तो बोलता हूँ कि इधर हमारा वृंदा परिक्रमा चलता है और माता जी लोग अपनी घर की परिक्रमा गाना गाते और परिक्रमा कर लेते हैं। बोले क्या ये तो बात में अंदर आ जाएगा तो मठ में आ गए, ये बात एक सीखने की चीज विषय वस्तु है। दूसरे को उपदेश देना तो बड़ा सहज है, मगर हम क्या करें, हम पहले उसको देखेंगे कि हमारा आचरण क्या जीवन में। तो इसलिए बात हो बेगम, उसके बाद क्या बोले, देखो जब एक श्लोक है उसे एक एक वेद को उन्होंने इतना व्याख्या किया, अगर सारा दिन इसको सुनते रहो ना, इसको बड़ा सुनते रह जाओगे। इसलिए उन्होंने एक चीज को उदाहरण दिया, बाच बेगम। बाच बेगम मतलब हमारे गुरु जी कहते थे हर चीज में हड्डी है, अंगुल में हड्डी इसलिए सीधा हो जाता है, हाथों में हड्डी इसलिए सीधा हो गया, रीढ़ में हड्डी इसलिए हम बैठे हैं, पैर में हड्डी हम चलते हैं, लेकिन केवल एक चीज में हड्डी नहीं। किस में हड्डी नहीं? ये जीभ में हड्डी नहीं है, इसलिए हर समय ये लपर 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 कुछ ना कुछ ही है, हर समय चुप नहीं हो सकता, ये कुछ बोलते रहेगा, इसको बोल इसका स्वभाव बोलना है। लेकिन यही जो जीवा है यही बंधन का कारण बनता है और यही जीवा मुक्ति का कारण बन जाएगा। बोले कैसे, जब ये जीवा से हम संसार की बात करेंगे ये बंधन का कारण बनेगा, जब ये जीवा से ठाकुर का नाम लेंगे, ठाकुर जी का भजन कीर्तन करेंगे, फिर क्या होगा, यही जीवा ही हमें भगवान के चरण तक पहुँचा देंगे। इसलिए ये जीवा की तभी सार्थकता, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए बोले, जब चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है, महाप्रभु बोले देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में करते हैं, बोले रोज जो 1,00,000 हरिनाम करेगा, कितना हरिनाम करेगा, 1,00,000, मतलब कम से कम 6 घंटा तो लगेगा 1,00,000 हरिनाम करने के। अगर एक व्यक्ति 6 घंटा अगर हरिनाम करता है ना, देखना उसके पास में कोई समय नहीं बचेगा जो दुनियादारी की बात करने का, कोई समय नहीं बचेगा। लेकिन हम लोग जो बैठ जाए ना, बेटा बेटी नाती पोती दुनियादारी की सारी बात हम बोलना शुरू करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं देखो ये जो मानव शरीर का जो समय है ये अनमोल है, ये अनमोल है, ये मानव शरीर है। जैसे टाटा बिरला जैसे है, अभी सबसे ज्यादा पैसा वाला कौन है, कौन है, अंबानी। मानो ये अंबानी ये अंतिम सज्जा में लेटा हुआ, डॉक्टर ने उसे बोल दिया देखो ये अंतिम श्वास यही, इसका ये अंतिम श्वास है, अगर उसको बोला जाए तुम्हें हम 4 कोहिनूर हीरा दे रहा, कितना, बोले 4 कोहिनूर हीरा दे रहा हूं, इसका 4 श्वास को बोले वापस ले आओ। अब बताओ विश्व ब्रह्मांड का सारे डॉक्टर मिल करके उसको 4 श्वास दे सकते हैं, नहीं। मतलब है ये मानव शरीर का जो एक एक जो श्वास है इतने अनमोल है, जिसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं ये मानव शरीर नहीं सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर दुर्लभ है, वे भी प्रार्थना करते हैं भारत उन्होंने हमें मानव शरीर मिले और इसी जुहा से क्या करे ठाकुर जी का नाम लेकर के भवसागर से पार हो जाए। इसलिए ये जीवा की तभी सार्थकता जब हमारी श्वास श्वास से ठाकुर जी की जब नाम निकलेगा, समझो कि समय की तभी सार्थकता, ठीक है ना। इसलिए समय को बर्बाद नहीं करके क्या करना, हर समय अपना माला को पास में रखा करो, एक चीज को गांठ बांध करके रखो। देखो हमारी प्रभु जी का देखो माला लेकर बैठे, अरे देखो हमारे जितने भक्त लोग हैं ये माला को कभी छोड़ते नहीं, इनको पता है ना, कल बता रहे थे ना, क्लास 5 पढ़ लो, 10 पास कर लो, 12 पास कर लो, लेकिन जब सब सारा दुनिया कर लेते हैं और लास्ट समय में क्या कहते हैं, फिर उसी समय जो बताया था ना 12 ही सब कुछ है, इंजीनियर, ये सब झूठा बात बताया, अभी असली बात सुनो क्या है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा। इसलिए श्री महाप्रभु कहते हैं भाई भले ही कहीं जा रहे हो ना, भले तुम पैसा भूल जाओ, लेकिन वो कहते हैं ये माला कभी मत भूला करो, ये माला को अपना साथ में रखो, उठते बैठते चलते क्या करो,
भगवान के नाम जप करते करते जाओ। अगर ये कथा सुन करके इतनी सी बात अगर आप समझ गए ना, समझना कथा में आना हमारी सार्थकता हो गया है, कथा में आना हमारी सार्थकता। ठीक है, एक चीज को गांठ बांधो, माला हर समय अपना पास में रखा करेंगे और ठाकुर जी का नाम जप लेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आइए बच्चे के लिए ताली बजाओ और हृदय से बच्चे को आशीर्वाद दो, जैसे बड़ों तो में रहे और बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी कथा सुनाए हैं और भगवान की भक्ति को ये आगे बढ़ाए। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय जय श्री राधे। ओम ज्ञानते मिरांधस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी को हाथ उठाकर बोलो बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sarvapratham Mere Guru Pad Padma Nita Lila Pravishnam Vishnu Pada Stotra Sata Sri 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 Mad Bhakti Sri Rup Siddhanti Goswami Maharaj Ji Ke Charna Kamala Mein अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्री माधुभक्त वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायुक्त प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा कैसे मथुरा में प्रकट हुए। कृष्णा मथुरा में जन्म नहीं हुए हैं, कृष्णा मथुरा में प्रकट हुए। भैया कहते प्रकट और जन्म में क्या फर्क है? आप लोगों ने बच्चा जन्म दिए हो? कौन कौन बच्चों को जन्म दिए हो? हाथ उठा। अब देखना जब बच्चे जन्म होते ही माँ के पेट से एक नार होता है, जन्म देने के बाद वो नार को काटी जाती नहीं, लेकिन मथुरा में कृष्ण जब प्रकट हुए उनके नार को काटी गई है नहीं। बच्चा जब जन्म होता है छोटा बच्चा बन करके, लेकिन मथुरा में कृष्ण पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और उनको सारी पूर्व जन्म की कथा एक एक कर सुनाए। पहले कैसे तुमने तपस्या की, कैसे मैंने दर्शन दिया है, सारी बात एक कर बोले। और बोले देखो अभी मैं एक छोटा बच्चा बन जाऊंगा और मेरे को गोकुल में ले जाना और वहां से एक बेटी भी हुई और वो बेटी को तुम यहाँ ले आना। और बोल करके ठाकुर ने क्या किया, जो चतुर्भुज रूप में उन्होंने प्रकट हुए थे उनने झट एक छोटा बच्चा बन गया और उसको ले करके वसुदेव महाराज कहाँ गए, श्री गोकुल में लेकर गए। कहते कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं वो प्रकट हुए, लेकिन जन्म कहाँ पर हुए, बोले कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं। इसलिए भागवत में बहुत सारी जगह पर ये सारी बात आती है। जैसे भागवत में जब ब्रज गोपियां गोपी गीत गा रही हैं, गोपी गीत का जो पहला श्लोक में क्या कहती हैं, बोले जयति तिथिकम् जन्मना ब्रज तब से वृंदावन की महिमा तो वैकुंठ से भी ये बढ़ करके वृंदावन की महिमा है। लेकिन जब से तू जन्म लिया तब से सबके सब लोग तो आनंद में हैं, लेकिन तेरे जो गोपियां हैं ना केवल तेरे विरह में रह रही हैं। ये गोपियां कह रही हैं। कहते ब्रह्मा जी भागवत का ब्रह्म स्तुति का जो पहला श्लोक है, बोले नव मिड्यते अभ्र बपुषे तरितम्बराय ब्रह्मा कह रहे हैं कृष्ण कौन है, बोले पशुपांग जाय, मतलब जो पशुओं को चराने वाले श्री नंद बाबा की ये अंग से प्रकट हुए कृष्ण है, इसलिए ये नंद की लाला है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण जब जन्म हुए 8वें श्लोक में उन्होंने ठाकुर जी की जन्म महोत्सव को वर्णना करते हैं। उसका जो पहला श्लोक है, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महात्मा। इसलिए कृष्ण जब गोकुल में जन्म हुए ना, इसलिए कहते हैं ना
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया किसके आनंद भयो है वसुदेव महाराज के आनंद भयो ना नंद के आनंद भयो इसलिए कहते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये नंद के आनंद भयो है तब श्री गर्गाचार्य भी यही कहते हैं जब कृष्ण का नाम कर्म करते हैं बोले प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तबात्मजा कहते हैं नंद बाबा ये जो लाला है ना तिरोही लाला है लेकिन ये कभी कभी वसुदेव का भी बेटा बनता है इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा इसलिए भागवत में बहुत सारी जगह पर प्रमाणित दे करके बोले कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं अभी हम कृष्ण गोकुल में कैसे जन्म हुए इसकी कथा हम सुनेंगे कहते श्री नंद बाबा का जो पिताजी थे उनका नाम था श्री परजन बाबा परजन मतलब था मेघ इन्होंने इनकी पांच बेटे थे उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंद ये बीच में ये नंद बाबा है लेकिन उनके चार ही बच्चों का तो संतान है लेकिन नंद बाबा का कोई संतान नहीं था इसलिए आप लोग नंदगांव गए हो कौन कौन नंदगांव गए है वहां पर एक आशीषवर महादेव है परिजन बाबा ने ये आशीषवर महादेव की पूजा की बोले आप कृपा करो मेरे चार ही बेटों का तो संतान है लेकिन मझिला जो बेटा से नंद बाबा का कोई संतान नहीं आप कृपा करो जैसे नंद बाबा का कई एक संतान हो जाए जब उन्होंने पूजा की आकाशवाणी हुई बोले परिजन बाबा चिंता मत करो तुम्हारी जो मझिला बेटा का ऐसे एक बेटा होगा ना जिस बेटा का नाम से सारा जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तेरा नाम उजला होता रहेगा इसलिए वो साधारण बेटा जन्म नहीं लेगा वो परम ब्रह्म प्राप्त कर तत्व स्वयं कृष्ण है स्वयं तुम्हारी बेटे का बेटे रूप में जन्म लेगी बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय अभी पहले ये नियम होता था चार वर्ण और चार आश्रम है चार आश्रम में क्या किया है पहले ब्रह्मचर्य सबके सब पहले गुरुकुल में पढ़ने जाते थे 25 साल तक गुरुकुल में रहने के बाद गुरुजी बोलते थे बेटा बताओ क्या करोगे अब तो तुम्हारी लिखाई पढ़ाई हो गया क्या करोगे बोलो अभी जो सारे शास्त्र को अध्ययन करके समझ जाते थे ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है ठाकुर जी बारम्बार ये मानव शरीर नहीं देते ये जीवन पाने का तभी लाभ जब ये जीवन पाकर के प्रभु की भजन करे ये चीज को जो समझ लेते थे बोलते थे गुरु जी हमारी मन में तो इच्छा है आपके श्री चरण में रहते हुए प्रभु की भक्ति करते हुए जीवन को धन्य बना दे संसार से उद्धार हो जाए लेकिन जो व्यक्ति साधी के बगैर रह नहीं सकते हाँ साधी के बगैर रह नहीं सकते गुरु जी बोलते थे बेटा जाओ घर में वापस जाओ घर में वापस जा करके शादी करके दोनों पति पत्नी शादी करके धर्म पूर्वक अपना जीवन निभाओ लेकिन लव मैरिज नहीं करना लव मैरिज नहीं करना इसलिए पिता माता जहां पर तुम्हें कुल धर्म मर्यादा का अनुरूप जहां शादी करवाएंगे वहीं पर शादी करके दोनों धर्म पूर्वक घर गृहस्थी निभाओ लेकिन कब तक बोले 50 साल तक 25 साल तक ब्रह्मचर्य गुरुकुल में और 50 साल तक ये घर गृहस्थी है लेकिन उसको बाद में फिर घर में नहीं रहना है उसको बाद में घर में नहीं रहना है इसलिए उसको बाद में 50 को बाद में क्या अंक आता है एकावन बावन चौवन मतलब घर में नहीं वृंदावन में भजन करने के लिए कहां जाओ वृंदावन भजन करने के लिए जाओ ये भागवत का श्लोक है बोले 50 ऊर्ध्वे वनम व्रज 50 साल के बाद में वृंदावन में जाकर के भगवान की भक्ति की आराधना करो अगर नहीं जाओगे ना फिर घर में बहू आएगी फिर चाबी को लेकर में लड़ाई होगा तुम चाबी देना नहीं चाहोगे बहुत जोर जबरदस्त चाबी खानी फिर घर में लड़ाई होने से पहले अपना घर से निकल जाओ वृंदावन में जाओ भजन करो अब अपना जीवन निभाओ देखो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ अब बुरा मत मानना ये मेरे बड़े गुरु जी की कथा जो गुरु जी बैठे है ना ये कथा को ये गुरु जी सुनाए अब बुरा मत मानना ये सही घटना है मतलब एक व्यक्ति का जो लोग कहते ना घर में रहकर भजन कर लेंगे हैं इसलिए वृंदावन जाने का कोई जरूरत नहीं एक समय एक व्यक्ति का 3 बेटे थे
जब उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, लिखाया पढ़ा, उनको सारे नौकरी चाकरी अच्छे तरह से करवा दिया, इनको शादी सुधा भी इनको करवा दिया, शादी सुधा करके करा के जब ये बच्चे बड़े हो गए, एक दिन पहले हर व्यक्ति गीता रामायण भागवत पढ़ते थे, हर व्यक्ति को पता रहता था जीवन दुर्लभ है, ये जीवन पा करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? घर घर में रामायण गीता यही होती थी, ये ज्ञान मिलता था। इसलिए तीनों बेटे को बुलाए, बोले देखो मेरे मन में इच्छा है कि अंतिम समय में वृंदावन जाकर के सत्संग करते हुए, प्रभु की भजन करते हुए अपना मुक्ति मार्ग को मैं देख लूं। तीनों बच्चों को बुला करके जो बोले, तीनों बच्चे राजी हो गए, बोले पिताजी कोई चिंता मत करो, हम काम धाम में ठीक ठाक हैं। तीनों बच्चों हैं हर महीना में कुछ कुछ पैसा को एकत्रित करके हम भेज के बच्चों को सामने बैठने दो, ये बच्चों को यहाँ से निकाल दो, यहाँ से बच्चों बैठना तो चुप बैठो, इधर उधर भागना नहीं, चुपचाप बैठो, ठीक है। अभी बोले तीनों बच्चे कुछ कुछ पैसा हम इकट्ठे करके दे देंगे, एक घर किराए में ले लो, वृंदावन में रहो, भजन करो, चिंता मत करो। अभी तीनों बहू है ये बात को सुन रही थी कि बूढ़ा क्या मंत्र, ये बच्चों को क्या मंत्र दे रहा है। उसको बाद में तीनों बहू ने तीनों बच्चों को बुलाया, बोले ये बूढ़ा क्या मंत्र काम में दे रहा था, बोले पिताजी की अंतिम इच्छा है वृंदावन में अपना जीवन को बिताएंगे, सत्संग करते हुए भजन करते हुए। और तीनों बच्चों का काम धाम ठीक ठाक है और थोड़ी थोड़ी पैसा हाथ निकाल करके पिताजी को पहुंचा देंगे। तीनों बहुए ने कहा, बोले तुम लोगों से ये घर गृहस्थ नहीं होगी, कल भी ये बूढ़े को साथ में अपना बेड़ी के बिस्तरा को बांधो और तीनों वृंदावन जाओ भजन करो। बोले ऐसे क्यों कर रहे हो, बोले थोड़ी सी अकल नहीं तुम्हारी, ये बूढ़ा जब बच्चों को पकड़ता है, ये बिना पैसा का एक नौकर का काम होता है। जब ये बूढ़ा दरवाजा में बैठता है, ये गुरुजी सुनाया करते थे, जब दरवाजा में बैठता है बिना पैसा का एक चौकीदार का काम होता है। जब ये बूढ़ा वृंदावन चला जाएगा, आपको दो व्यक्ति रखना पड़ेगा कि नहीं, एक चौकीदारी के लिए एक नौकर के लिए रखना पड़ेगा कि नहीं। पर इतना विश्वास है, चौकीदार और नौकर घर में मिलेगा, तुमको मिलेगा तुम्हें, इतना अकल नहीं, फिर उल्टा पैसा हर महीना महीना देना पड़ेगा, इसलिए तुम तीनों चले जाओ वृंदावन में जाओ। अभी बच्चे सुनकर तो अक्के बक्के चक्के हो गए, घर में तो बच्चों का तो बात नहीं चलती, घर में बहुओं की बात चलती है। बोले देखो चुपचाप रहो, जब फिर पिताजी बुलाए ना, हम तीनों को इशारा कर देना। बच्चे बोल रहे थे दो चार दिन में हम ठीक कर देंगे, लेकिन बच्चे चुप हो गए। एक महीना बीत गई, कोई बात ही नहीं कर रहे। फिर पिताजी फिर बुलाए तीनों बच्चों को, बोले तुम लोग धीरे धीरे उम्र ढलते जा रहा है, इतने दुर्लभ जीवन मिला, भजन नहीं हो पा रहा है, हम सोच रहे थे सत्संग करते हुए भक्ति करे, तुम लोग बोल रहे थे एक दो दिन में व्यवस्था करते, महीना बीत गया। इतना बोलते ही ना तीनों बहू आ गए, कभी बहू ये कभी अभी तक सास ससुर के चरण नहीं छुए, और आ करके ना इतना पिताजी के चरण छूना शुरू कर दिया है। और तीनों बहू ने तीनों बच्चों को पिताजी की गोद में रख दिए, और बूढ़ा तो सरल सीधा है, बोले पिताजी हमने सुना अंतिम समय में कहीं वृंदावन में जीवन गवाओगे, पता नहीं कौन आपको देखेगा नहीं देखेगा, कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, कहाँ थोड़ी वृद्धावस्था में सेवा की हमें मौका नहीं मिलेगा, कहाँ वृंदावन में जाओगे, बार बार तो चरण छूना शुरू कर दिया। बूढ़ा तो बड़े सरल सीधा, आंखों से आंसू आ गए, और तीनों तीनों बच्चों को गोद में बैठा दिया जाओ, इनका तो हृदय पिघल गया। बोले तुम लोग ही हमारी घर में घर की लक्ष्मी, ये जो बच्चा यही हमारे लिए गोपाल है, मेरे को तो पता ही नहीं था तुम्हारी अंदर में मेरी प्रति इतने भक्ति, ठीक है अभी मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, एक काम करियो मेरे लिए एक गीता ला करके दे दो, मैं घर में बैठ बैठ कर पढ़ते रहूंगा। तीनों बच्चों ने कहा पिताजी आप कोई चिंता मत करो, हम गीता ला कर दे देंगे, अब घर में बैठ करके पढ़ा करो। लेकिन एक महीना हो गया एक गीता तक भी नहीं ला। फिर उन्होंने बुलाए, बोले भैया जीवन ढलते हुए जा रहे हैं, गीता कहाँ है। बड़ी कष्ट से उन्होंने ये गीता पुस्तक ला करके दिया। पिताजी जब घर में बैठ करके ये गीता पढ़ने जा रहे थे ना, तीनों बहुएं आ गए, बोले पिताजी घर में क्यों बैठे हो, गीता पढ़ रहे हो, जाओ ना आंगन में बैठो, गेहूं दाल सुखाने के लिए दिया, लो ये डंडा ले जाओ, लेकर के वहीं पर बैठो और वहीं पर गीता पढ़ो। अभी गीता ग्रंथ को खोले,
पहला श्लोक पढ़ रहे हैं, बकरी आ गया और चिड़िया खाने के लिए आ गया, फिर डंडा लेकर उसको पीछे भाग गई, फिर तीनों बहू ने तीनों बच्चों को ला करके पिताजी गोद में दे दिया, बोले बच्चों को भी देखो, गेहूं दाल को भी देखो, और ये डंडा लो और इसको देखो और गीता पढ़ो। एक लाइन भी नहीं पढ़ पाए, एक लाइन पढ़ने के लिए आज बकरी आ जाए नहीं तो गई आ जाए, बच्चा रोने रोना शुरू कर दे, बस गीता पढ़ना हो गया। देखो हमारे बड़े गुरु जी की बात को सुनाया करते थे, इसलिए आप लोगों ने सुने होंगे रामलीला, आप लोगों देखे हो रामलीला, इसलिए दशरथ महाराज आप लोगों देखे होंगे, जिस समय दशरथ महाराज अपना चेहरा को जब उन्होंने शीशा में देखा, एक दो जब दाढ़ी पक गया उन्होंने देखा, बोले मेरी समय हो गई, ये दाढ़ी पकना नहीं ऊपर से बैल पड़ गया है, अभी जाने का समय हो गया, अभी मुक्ति के मार्ग को देखो। तभी उन्होंने राम को बोले, तुम्हें मैं राज्याभिषेक करते हुए हम चाहता हूँ बाण प्रस्थ लेने के लिए, जंगल में जाकर भगवान की भजन करें। इसलिए पहले पहले राजा 50 साल होते ही जानबूझकर घर में कोई नहीं रहता था, जानते थे घर में भजन करना बड़ा कठिन है, इसलिए किसी तीर्थ स्थान में जाकर के सत्संग करते हुए भगवान की भक्ति करते थे। देखो अगर ये हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं हो पा रहा है ना, अरे भैया कम से कम अपना घर में तो भजन करो, अपना घर में तो कम से कम गीता रामायण थोड़ा थोड़ा भजन तो कम से कम करो, ये दुर्लभ जीवन मिला। इसलिए जब श्री परिजन बाबा ने देखा 50 साल हो गया, उन्होंने बच्चों को बुला करके बोले, अपना बड़ा बेटे को मैं राज्याभिषेक करते हुए मैं चाहता हूँ भजन करने के लिए जाए, बच्चे लोग राजी हो गए। बड़ा बेटा ने कहा, पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का मेरे अंदर में गुण नहीं, ये मझला बेटा श्री नंद बाबा को हम राज सिंहासन में बैठा हो। तब उन्होंने उनको राजा बना करके श्री परिजन बाबा जंगल में चले गए भजन करने के लिए। अभी चार बच्चों का तो बच्चे है, नंद बाबा की बच्चा नहीं, उन्होंने बहुत उन्होंने यज्ञ तपस्या बहुत कुछ किया, लेकिन जब बच्चा नहीं हुआ, इतने में एक एकादशी आई जिसका नाम था पुत्र एकादशी। क्या नाम था? ये जो एकादशी को बताया ये कल्प वृक्ष व्रत है। हम लोग तो अंदर में कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो, हाथ उठा कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो? देखो जो लोग रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं रखते हो ना, इस बार से जरूर एकादशी व्रत को रखा करना, क्योंकि एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत है। कल्पतरु व्रत मतलब है देखना 15 दिन में एक बार एक एकादशी आती है, हर एकादशी का नाम अलग अलग है। एक एकादशी का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जो एकादशी व्रत करने पर घर में मां लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, जिसको करने पर संसार से जीव को मुक्ति मिलती है। एक एकादशी का नाम अन्नदा, जिसको करने पर घर में मां लक्ष्मी की अन्न की बड़ी कृपा होती है। एक एकादशी का नाम विजया, जिसको करने से आपके सर्वत्र विजय विजय होगा, इसलिए उसमें एक एकादशी का नाम पुत्रदा। पुत्रदा मतलब जो पुत्र जन्म देती है। जब ये पुत्रदा एकादशी व्रत आए, नंद जसोदा विचार कर रहे हैं, बोले हमने तो सारे व्रत को रखा लेकिन अभी तक ये पुत्रदा एकादशी व्रत हमने नहीं रखा, इसलिए नंद जसोदा ने ये पुत्रदा एकादशी रखे। जब एकादशी रखे, जब दोनों रात को सोए ना, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में बड़ा सुंदर एक स्वप्न देखा, बोले क्या स्वप्न देखा? बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयना बालस्तवांक स्थले पयोधार स्फुटमसौ क्रीडांगमयम् लोक्यते। अभी दोनों की नींद खुल गई स्वप्न देख करके। अब ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखना सच हो जाता है, इतना खोलते ही नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। जसोदा बोले मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखा, बताओ आपने क्या स्वप्न देखा? नंद बाबा ने देखा, मैंने देखा आकाश में दो संतान को देखा, एक तो संतान बड़े बिजली जैसे चमक रही थी एक लड़की, और एक को देखा श्याम रंग का बड़ा सुंदर बालक। पहले वो बालक उसको पीछे पीछे ये बाली था, और हमने देखा ये दोनों मेरे हृदय में प्रवेश किया, और मेरे हृदय से होकर के तेरी हृदय में प्रवेश किया है, और उसको बाद में देखा तेरी गोद में एक श्याम रंग का सुंदर बालक बोल रहा है,
और तुम्हारी स्तन पान करते करते दोनों धारों से दूध बह रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच से तेरे गोद में एक सुंदर बालक है। बोले तुमने क्या देखा? बोले मैंने भी देखा, मेरे पीछे एक सुंदर श्याम रंग का बालक मैया मैया करते करते पीछे पीछे आ रहा है। अब कपड़ा पकड़ कर बोले मैया मेरे को गोद में उठा ले, मैया मेरे को दूध पिला दे। वो मचल रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से कि बालक है। और उसी रात को ही मैया जसोदा ने गर्भ धारण करी और पूरा ब्रज में हला हो गया, नंद के लाला होने वाला है। बोले श्री नंद के लाला की, जोर से बोलो, बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। अभी जब मैया जसोदा गर्भ धारण की, अब देखना जब गर्भ में बच्चा होना कुछ चटपट चीज खाने की इच्छा करती है। मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा हो रही है, बड़ा सुंदर गैया की दूध से काजू किशमिश डाल करके सुंदर खीर बनवाया और वो खीर ठाकुर जी को भोग लगा करके मैया जसोदा को खिलाई। हैं इतने में एक बड़ी बूढ़ी गोपी थी, बोले मैया जसोदे तेने कुआरी पेट में जुड़वा केले तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले ऐसे लगता तेरे पेट में दो बच्चे हैं, सचमुच से एक कृष्णा और एक जोग मैया थी। हैं एक कृष्णा जोग मैया थी। बोले मैया लगता है तेरे गोद से लाला होने वाला है। बोले पता कैसे चल रहा है? बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिखता है। देखो ये भागवत कहता है अगर होठ पीला पीला दिखे क्या समझो इसकी गर्भ में बेटा होने वाला है। गर्भ में बेटा होने वाले हैं। अभी सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा है और जितने ब्रज की गोपियां थी ना छह छह महीना पहले तो 84 गज के लहंगा चुंदरी बना करके रखे। बोले नंद के लाला होगा ना पहन करके बधाई देने जाएंगे। और जितने कोप लोग थे हैं वो तो बड़े सुंदर बगल बंदी धोती और बड़े सुंदर पगड़ी बना करके रखे। नंद के लाला होगा तो बधाई देने जाएगी। अभी कृष्ण जन्म होने से पहले संपूर्ण ये पृथ्वी अपना को दुल्हन देश से जाने लग गई। और विशेष करके आकाश में जब काला मेघ छा जाए वो चार व्यक्ति प्रसन्न हो जाते हैं। कहते चार व्यक्ति कौन कौन प्रसन्न हो जाते हैं किसको याद है? कौन बोलेगा? बोलो कौन कौन? सब भूल गए हो? कौन कौन प्रसन्न होते हैं आकाश में मेघ देख कर? कौन कौन खुश होते हैं? कहते पहला नंबर है किसान खुश होता है। बोले क्यों? बोले उसने खेती बोया, अगर बारिश नहीं होगा तो खत्म हो जाएगी। कहते यहाँ पर किसान कौन है? बोले पितामह ब्रह्मा जी, इन्होंने ये जगत को उन्होंने बनाया। लेकिन बड़े बड़े दैत्य कंस और जरासंध जैसे लोग आकर के इतने उत्पात कर रहे थे, दुनिया को ध्वंस कर रहे थे। लेकिन पितामह ब्रह्मा ने ये कृष्ण रूपी मेघ जब देखा प्रसन्न हो गए। अभी कोई चिंता नहीं, क्यों? अभी कृष्ण जन्म होकर के कहते ना परित्राण आय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान जगत में इसलिए युग युग में अवतीर्ण होते हैं दुष्टों को विनाश करने के लिए और संतों को पालन करने के लिए। दूसरा व्यक्ति कौन प्रसन्न होता है बोलो? एक तो हो गया ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं, दूसरा कौन प्रसन्न होता है? कहते मौर प्रसन्न होता है। ये मौर कब नृत्य करता है? देखना जैसे आकाश में काला मेघ छा गया, रिमझिम बारिश हो जाए, रिमझिम बारिश हो और घड़ घड़ शब्द होता ना, कभी ये मयूर भी थिरक 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 करके नाचना शुरू कर देता है। कभी ये मोर स्वरूप कौन है? नीलकंठ श्री शंकर जी। ये शंकर जी क्यों खुश हो रहे हैं? कारण है शंकर जी ब्रज में जो नंदगांव कौन कौन नंदगांव गए हो देखना, जो नंदगांव है वो नंदीश्वर पर्वत है, वो शंकर ही पर्वत रूप में प्रकट हुए, प्रभु मेरे ऊपर में लीला करे, इसलिए शंकर जी प्रसन्न हो रहे, नाच रहे शंकर जी। बोले तीसरा व्यक्ति कौन प्रसन्न होता है? बोलो कौन तीसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है? जोर से बोलो। कहते चातक प्रसन्न होता है। हाँ चातक। बोले ये चातक पानी कहाँ का पानी पीता है? वो किसी नदी का पानी नहीं पीता है, तालाब का पानी नहीं पीता है, जब बारिश हो ना वो केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है। इसलिए कहते भैया चातक कौन है? बोले श्री नारद जी आदि भक्त वृंद है। इसलिए नारद आदि जितने भक्त लोग प्रसन्न हो रहे थे
ठाकुर जी जन्म लेने वाले, और कंस तो मना कर दिया था, खबरदार मेरे देश में ये हरि कीर्तन कोई कर नहीं सकते हैं, मेरे कीर्तन में मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं, मेरे देश में कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। अभी कृष्ण जन्म लेने वाले, संतों का हृदय इतने आनंद में उत्फुल्ल हो गया, इतने इनके जोश आ गया ना, ठाकुर आने वाले ना, अभी इतने जोश आ गया, बोला हमें कौन रोक सकता है, आज तक जोर जोर से हम कीर्तन करना शुरू करेंगे। और संत लोग तो बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 हरि गोविंद जय 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 बगर अपनी आप हवन कुंड से अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गया। बोले क्यों? बोले भगवान कृष्ण आने वाले, इसलिए सारे भक्त लोग आनंद में कीर्तन कर रहे थे, खुश हो रहे थे। बोले चौथा व्यक्ति कौन प्रसन्न होता है? तीन तो बोल दिया, बताओ कौन बोलेगा? जो बोलेगा उसमें इनाम दूंगा। बोलो, हर साल कथा सुनते हो, कौन कौन कोई कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? बोलो, कौन बोलो? कहते ये हाथी, कहते जो चौथा नंबर प्रसन्न होता है, कहते इंद्र आदि जितना देवता वृंद प्रसन्न होते हैं। हाँ, बोले क्यों? बोले ये जब किसी जंगल में आग लगी जाए ना, तो ना हाथी को बड़ा कष्ट होता है, हाथी इधर उधर हाथी भागते रहते हैं, हैं? लेकिन वो आग कब बुझेगा? जब घनाघोर बारिश हो तभी जाकर के आग बुझती है, हैं? कहते भैया ये हाथी कौन है? बोले स्वर्ग का जो इंद्र चंद्र आदि देवता लोग, वो भी बड़े परेशानी थे दैत्यों से, अभी सारा दुनिया प्रसन्न होकर के भगवान की कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और कृष्ण उसी समय में कहां पर? श्री नंद के लाला रूप में गोकुल में मैया यशोदा का दुलाल बनकर के ठाकुर जी जन्म ग्रहण करते हैं। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, श्री नंद के लाला की जय। और जो माया ने सबके सब सुला दी थी, लेकिन नंद बाबा का बहन थी सुनंदा, वो 6 महीना पहले से आकर घर में बैठी है। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भधारण की ना, जब भाभी का बच्चा होगा मेरे को 9 लाख हार मिलेगी। वो 6 महीना से आकर घर में बैठी है जम करके, और घर का सारे काम काज वो कर रही है, मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी। अभी सबके सब सो रहे थे, इतने में सबसे और सबसे ज्यादा चिंता थी किसकी? सुनंदा की, क्यों? 9 लाख की हार मिलेगी उसको, अगर रात में नींद नहीं आ रही, क्यों? बच्चा होगा तो लाख हार मिलेगी। सबसे पहले सब इसकी नींद खुल गई, सब सोए पड़े हुए, भैया भाभी का क्या हालत है? अपने दरवाजा खोल करके देखा, मैया जसोदा की गोद में श्याम रंग का एक बालक पौड़ रहा है और किलकारी मारते हुए खेल रहा था। बोले भैया किसको पता है नहीं चला कब लाला की जन्म हो गए हो? चलो सबसे पहले नंद बाबा को खबर देती हूँ, 9 लाख की हार मिलेगी। लेकिन भैया कहाँ ढूंढो? ढूंढते ढूंढते देखा ब्रह्मांड घाट में नंद बाबा तो माला जप कर रहे थे, लेकिन माला जब नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा कब है गो, लाला कब है गो, छोरा कब है गो, छोरा कब, यही जब कर रहे थे। इतने में सुनंदा ने जाकर के बोले भैया कमाल है गया है, इतना बोलते तो नंदोबा छलांग लगा दिया। बोले बहन कहा गए हुए? बोले भैया बताओ मेरे को मिलेगा क्या तो बताओ। बोले नहीं ले, ये 9 लाख की हार तो ले ले। बोले भैया बात इतने बड़ी, जिसको सामने ये 9 लाख का हार भी कछु नहीं। बोले क्या बोल रहे हो? ये 9 लाख की हार है। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी बात है ना, बता और क्या दोगे? बोले जमुना किनारे में जो गैया चढ़ते ना, जमीन तेरे नाम पर लिख दिया, आज से मालिक यानी तू हो, बताओ कहा भैया? बोले भैया उसको सामने ये जमीनी जगह तो मैं कुछ नहीं,
बोले बोल रहे हो कितना दे दिया तभी मन नहीं भर रहा है, बताओ और क्या लोगे दोगे? बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी का तू पकड़ ले, जो इच्छा खोल करके ले लेना, लेकिन ये बता तो मेरे घर में कहां भयो है? बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। इतना सुनते ही श्री नंद बाबा इतना प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, क्यों? बड़े दिन से इंतजार कर रहे थे घर में लाला कब होगा, क्योंकि लाला नहीं होगा तो ये राज्य को देखने वाले कौन बनेंगे? बड़ी तपस्या यज्ञ बहुत कुछ उन्होंने किया था, बहुत कुछ उन्होंने किया था, अभी तो वहीं से दौड़ लगाए लाला को दर्शन करने के लिए। जब पहला बार लाला का मुख दर्शन किए ना, इतने खुश हो गए, उन्होंने मन मन में सोचा सारे ब्राह्मण संतों को 20 लाख गैया में दान दूं, और 7 तील का पर्वत, तील दान की बड़ी महत्व है, हैं? एक एकादशी आता है सदतिला एकादशी है, तील दान का बड़ा महत्व है, बल में 7 पर्वत तील का मखमल पर कपड़े ओढ़ करके साधु और ब्राह्मण को दान दूंगा। उन्होंने मन मन में तो यही संकल्प कर लिया, पहले पहले संतों को बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, इनके आशीर्वाद से आज मैं लाला का मुख दर्शन किया है। संत ब्राह्मण आकर के स्वस्ति वाचन पढ़ करके लाला को आशीर्वाद दे रहे थे। एक नाई को भेज दिया, जाओ ढिंडरा पिटवा दो, सबके सब आए और लाला को बधाई दे, और गोपियां तो 6-6 महीना पहले चुंदरी लहंगा बना कर रखी थी, बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए हैं, और दूध दही मक्खन लेकर के मटकी में, कान में कुंडल पहन करके, और 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके जब आ रही थी ना, कान की कुंडल बड़े जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? ये कुंडल कह रहा है तुम लोग पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, हम जाकर के नंद लाला को दर्शन करें। चोटी से एक एक फूल गिरते गिरते चरण में गिर रहा था। बोले क्यों? बोले जो व्यक्ति कृष्ण को दर्शन करने जा रहे हैं, बधाई देने जा रहे हैं, इनकी चरण की हमें पूजा करनी चाहिए। जितने गोपियां थी ना वो मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। देखो जितने जसोदा मैया की दल है, मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग बोलना बधाई हो, बधाई हो, जोर से बोलना, क्योंकि आपको बाद में फिर नंद बाबा का नंबर आएगा, हाँ कंपटीशन होगा कौन जीतता और कौन हारता है, इसलिए ना इसलिए जोर से ताकत लगा कर बोलता। बोले मैया जसोदा बधाई हो, आवाज तो आई लेकिन पीछे के जो माता है ना चुपचाप बैठे हैं, आवाज तो यहीं से ज्यादा आ रही थी। हाँ और एक बार जोर से बोलो, बोले मैया जसोदा बधाई हो। मैया बोली बधाई हो ब्रज की गोपियों, तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिला है। लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोगों का लाला है। और जितने माताएं थी ना हृदय से कन्या को आशीर्वाद दे रहे थे। देखो अगर पिता माता कोई चरण छूते ना, ध्यान देकर सुनो, अगर कोई बड़े बूढ़े पिता माता की कोई चरण छुए, देखना उनकी हृदय से जो आशीर्वाद निकलती वो इतने महत्व बताया। आपको ललाट में अगर कोई उल्टा पुल्टा होना, पिता माता अगर आशीर्वाद दे, वो ब्रह्मा की जो लिखन वो भी बदल जाती है। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद इतने फल फूलती है। इसलिए नियम क्या है, सकरे उठ करके गुरुजनों को पिता माता की चरण चुमनी हमें चाहिए, सास ससुर हाँ पिता माता की हमें चरण चुमनी चाहिए। और जितने बड़े बड़ी गोपियां थी ना हृदय से आशीर्वाद दे रही थी। बोले जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, आ जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना मैया, तेरो ललना मैया।
क्या है, जितने गोप लोग हारना नहीं जीतना है। अब जितने गोप लोग थे ये भी जा करके नंदा बाबा को बधाई दे रहे थे, इसलिए मैं बोलूंगा नंदा बाबा बधाई हो। जितने भाई लोग क्या बोलना, बधाई हो बधाई हो। अभी जोर से हारना नहीं, इसने बोले बोले नंदा बाबा बधाई हो, बधाई हो। ये गड़बड़ी कर रहा है, ये बैठ कर गड़बड़ी कर रहा है यहाँ बैठ कर। लेकिन देखो कोई बात नहीं, लेकिन हर समय ना जीत तो राधा जी की होती है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, इसलिए आप वृंदावन में जाओ, इसलिए कोई कृष्ण का नाम नहीं लेते, किसका नाम लेते हैं? और जोर से बोलो, और जोर से। देखो वृंदावन में राधा जी का नाम क्यों लेते हैं? कारण है राधा जी का नाम से कृष्ण खुश हो जाते हैं। अगर राधा जी का महिमा होना कृष्ण उसमें खुश होते हैं, राधा जी की महिमा से। अगर कृष्ण की महिमा गाई जाए ना, देखो देखो एक राधा जी के पास में एक तोता है और एक कृष्ण के पास में तोता है, दो तोते हैं। एक का नाम है विचक्षण तोता, एक का नाम है मंजूभाषी तोता। मंजूभाषी मतलब जो बड़ी मीठी मीठी बात करती है, और विचक्षण मतलब बहुत जो चतुर है। लेकिन जो राधा जी के पास में जो तोता रहता है, जानते हो किसका नाम लेता है? राधे राधे नहीं, कृष्ण कृष्ण नाम लेता है। क्योंकि राधा रानी तभी खुश होती है जब कृष्ण का नाम सुने। अभी कृष्ण के पास में जो तोता रहता है किसका नाम लेता है? राधा जी का नाम लेता है। क्यों? कृष्ण राधा जी का नाम से खुश होते हैं, इसलिए राधा नाम से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण नाम से श्री राधा रानी खुश होती है। तत्व तो ये दो नहीं है, बोले जापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण एव सब एक ज्योति में दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। तत्व तो वो देखने में दो लगते हैं राधा कृष्ण, कहते नहीं ये दो नहीं वो एक ही है। उदाहरण दिया है, आप लोग दिया जलाते होंगे, देखना एक दिया में तेल है लेकिन उसमें दो बत्ती है, लेकिन तेल एक ही है लेकिन उसमें दो बत्ती है। उसी तरह वो देखने में दो है लेकिन वो दो नहीं, वो कौन है? चलो एक है। वो लीला रस को आस्वादन करने के लिए, लीलाओं को विस्तार करने के लिए केवल वो दो रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए जितने बड़े बूढ़े गोप थे वो भी हृदय से कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे थे। लाला खूब फलते फूलते रहे, हैं खूब फलते फूलते रहे। इतने में अभी सारे ब्रजवासी आ गए, केवल दो व्यक्ति अभी तक नहीं आए। कौन कौन नहीं आए? एक श्री वृषभ महाराज और श्री कृतिका सुंदरी। ये दोनों कौन है? राधा जी की पिता और माता। ये दोनों में बड़ी प्रेम है, नंद बाबा और श्री वृषभ महाराज में। अभी देखते देखते वृषभ महाराज और कृतिका सुंदरी अंदर में प्रवेश करती हैं। जब अंदर में प्रवेश करती हैं, अभी उत्सव प्रारंभ होगा, इतने में एक गोप ने क्या किया, एक डंडा लेकर के कृतिका सुंदरी के सर के ऊपर में जो मटकी रखी हुई थी दूध दही मक्खन की, उन्होंने जोर से मारे, मारते ही मटकी तो फूट गई और कृतिका सुंदरी दूध दही से स्नान कर लिया। और एक दधिकादि मतलब दही में हल्दी और उसमें घी मिला करके एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, और वहां पर इतनी कीच कीच हो गई दूध दही की, सब फिसल फिसल करके एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और बोल रहे थे बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पार जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा जितने ब्रजवासी थे ना, नंदगांव बरसाना के नंद बाबा को पकड़ लिए, बोले बाबा आज तेरे घर में लाला भयो है, देख सारी ब्रजवासी कितने आनंद में नाच रहे, और तू मटक मटक कर देख रहे हो, अरे आज का दिन नाच तो ले। उनको पकड़ करके ना ले आए एकदम बीच आंगन में, हमारी गोस्वामी लोग वर्णना करते हैं वहां पर इतने दूध दही लाए थे, पूरा आंगन दूध दही से भर गया था, ऐसे लग रहा था मानो एक खीर समुद्र प्रकट हो गया।
और नंद बाबा देखने में कैसे बोले बड़े लंबे चौड़े और गौर भरने की, जब बीच में खड़े कर दिया ना लग रहा था जैसे मंदराचल पर्वत है, और ये फिर समुद्र अभी ये मंथन होने जा रहे हैं। और नंद बाबा का कमर में जो एक एक दोपटा था, एक तरफ में नंदगांव के गोप, दूसरे तरफ में बरसाना के गोप पकड़ लिए, ऐसे लग रहा था अभी समुद्र मंथन होने वाले। कहते जो लवण समुद्र मंथन में कहते देवता दैत्य लोग मिलकर किया, एक रजोगुण एक तमोगुणी, एक रजोगुणी और एक तमोगुणी। लेकिन यहाँ पर कहते ये निर्गुण है, ब्रजवासी ये निर्गुण है। अब सबसे पहले को निकला था 20, जिसको भोले बाबा ने पान किया तो गले में धारण किया, उनका नाम हो गया नीलकंठ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कौन प्रकट हुए, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद मामना, यहाँ पर तो स्वयं आनंद कंद कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। वहां पर 33 करोड़ देवता आए थे, नंद बाबा इतने दान कर रहे थे, गया 20 लाख गया, जिनका सिंह को सोने में मढ़वा करके, खूर को चांदी में मढ़वा करके, वहां पर शंकर भी तो आए थे, वो भी चक्कर में पड़े थे। बोले क्यों, बोले इतने गया दान दे रहे हैं, भैया मेरे बहन तो कौन है नंदी, भूल से अगर ये नंदी को दे दिया ना भैया मैं किस में बैठ करके जाऊंगा। उन्होंने नंदी को पूछ को पकड़ के खड़े हो गए, ये नंदी नहीं चली जाए। और वहां पर श्री माँ कौन आई थी, माँ स्वयं पार्वती आई थी, उनको भी दो बेटे हैं, कौन कौन है, कार्तिक और गणेश है, इसलिए कहते ना हाथी घोड़ा पालकी, कोई बोल नहीं रहे हो, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया। इन्होंने इतने हाथी घोड़े दिए, इतने हाथी घोड़े, मैया पार्वती के डर गए, बोले भैया मेरा बेटा भी तो गजानन, गजानन कौन है, गणेश जी, उसका सर भी हाथी का जैसे हो ना हो हाथियों को देते देते मेरे लाला को भी हाथी रूप में दान नहीं दे। उन्होंने तो अपना बच्चे को गोद में लेकर बड़े जोर से चुपका करके खड़ी हुई थी। और वहां पर स्वयं कुबेर आए थे, कौन, 100 रुपया पैसा का ट्रेजरी का जो माली। लेकिन आज नंद बाबा इतने हीरे जवाहरात असर फियों को दान दे रहे थे, वो तो गठली बांध बांध कर ले नहीं पा रहे थे, गठली की कोने से गिरते 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 जा रहा था हीरे जवाहरात, अली गलियों में बिखरा हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी रमा क्रीड़न अभूत नृप, हे परीक्षित ऐसे लग रहा था कृष्ण स्वयं जन्म लेने पर माँ लखी लक्ष्मी गली गलियों में नाच रही है, ऐसे लग रहा था सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति बेचारा बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई थी, बोले कौन दुखी होकर के बैठी हुई, नाच नहीं रही है, कहती ये रोहिणी। बोले क्यों, बोले जो रोहिणी ये प्रसिद्ध भत्रिका, बोले प्रसिद्ध भत्रिका का मतलब क्या होता है, बोले जिसका पति दूर देश में हो और विपत्ति में पड़ा हुआ हो, हैं पति कौन, वसुदेव महाराज, कहां पर, बोले मथुरा में, बोले किस रूप में, बोले कंस भी जेल में बैठा है। अगर इसका पति अगर जेल में बैठा हुआ हो उसका पत्नी भरी सभा में नाचेगी कभी, इसलिए प्रसिद्ध भत्रिका है, इसलिए सारा दुनिया नाच रही थी। लेकिन वो बड़ी बेचारी दुखी होकर के घर की कोने में बैठी हुई थी। इतने में श्री नंद बाबा ने देखा सारा दुनिया तो मेरे लाला के उत्सव में नाच रहे हैं, लेकिन घर का जो सदस्य रोहिणी का है, नंद बाबा ने देखा घर में बैठी करके कोने में बैठी हुई। नंद बाबा बोले देखो रोहिणी तुम घर में दो ही स्त्रियां हैं, एक जसोदा और एक तू। अभी जसोदा बच्चा जन्म दिया, अभी तो घर का काम नहीं कर सकते ना, उसको कौन संभालना पड़ेगा, बोले तेरे को संभालना पड़ेगा। लेकिन मेरे को पता है तुम्हारी पति जेल में, लेकिन कम से कम मेरे लाला को तो आशीर्वाद दे कर क्या। लेकिन बलदेव प्रभु 15 दिन पहले जन्म हुए, जब से जन्म हुए तब से आंख बंद करके, बोले सबसे पहले मैं अपना कान्हा को पहले देख करके दुनिया को मैं देखूंगा। इतने में माता रोहिणी ने बलदेव प्रभु को ला करके एक पलंग में जिसमें कृष्ण स्वयं हुए थे ना उसमें उन्होंने सिर्फ दाऊ भैया को लेटा दिया। जब दाऊ भैया को लेट दी ना पता चला कृष्ण को सामने आ गया। इतने में उन्होंने आंख खोल दी, जब आंख खोल दी सामने उन्होंने कृष्ण को देखा। कृष्ण को जब देखा रोहिणी दुखी तो थी, दुखी तो थी बेटा आंख बंद किया हुआ, लेकिन प्रसिद्ध भत्रिका। लेकिन लाला जब आंख खोल दिया ना
इसकी आनंद की भी सीमा नहीं रही, ये भी ठुमक लगा करके नाचना शुरू कर दिए। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी हमारे प्रभु जी एक सुंदर बधाई गाएंगे और जो नाच सके भगवान की बधाई में नाचना। आज आज तक कृष्ण जन्म हो गए, अभी थोड़ी देर बाद में राधा रानी भी जन्म लेगी और कल है भागवत कथा में सबसे बड़ा उत्सव है। बताओ कौन सा उत्सव है? कल से गिरिराज गोवर्धन की उत्सव है। इसलिए भागवत कथा में जो गिरिराज की जो पूजा है सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि कृष्ण स्वयं आशीर्वाद दिया अगर अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न की दाना अगर किसी ने सेवा में लगा दी, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, कभी उसकी घर में अभाव नहीं पड़ेगा, कि कृष्ण स्वयं बोले। इसलिए कल श्री अन्नकूट महोत्सव है, इसलिए आप लोग जितने भक्त लोग आए ना, आप लोग अपना घर से जो बढ़िया चीज बनाते हो, जो बढ़िया चीज सबसे जो बढ़िया बनाते हो, वही चीज को थोड़ा थोड़ा बना करके लाना, नहीं तो कोई फल, नहीं तो कोई मिठाई, कुछ ना कुछ बना करके लाना। कल गिरिराज गोवर्धन की पूजा में लगेगा, फिर वो प्रसाद आप लोगों को ही वो प्रसाद मिलेगा। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले श्री नंद के लाला की जय। प्रिय सोदा जायो लेना, बड़ाई को डाल देना, ये सोदा जायो लेना, मैं अमुना पे सुन आई, क्या सोदा जायो लेना, मैं अमुना पे सुन आई, मैं अमुना पे सुन आई, लेकिन आप लोगों को भी पता ही ना पता कि भगवान को तो मैं चुको है कि ना भाई, आप लोग शायद इसी असमंजस में बैठे हैं कि पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे भगवान का जन्म हो चुका है तो भगवान के जन्म की खुशी ऐसे ही मना के बैठे बैठे माटी के ढोंगाओ खड़े हो जाओ, जिनको नाचना आता है वो खड़े हो जाए, बाकी के बैठे बैठे ताली सेवा करें। Thank you.
Bye.
जो है हमारे देश का भविष्य है। लेकिन भैया बच्चों आपसे निवेदन है, फिलहाल हमारा वर्तमान मत खराब करो। पीछे बताओ बच्चे से बधाई दे मैया, बधाई दे मैया, बधाई दे
लाला की जय जय सिया आसम से बैठ जा सब लाला रे जन्म में अनिल सर वहाँ पर चले कहाँ गए? कहाँ गए? वहाँ पर ठहरा भी? हाँ चल ठीक जी बोलो। माइक माइक माइक। चलो एक बार हाथ उठा कर बोलो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे जोर करके हाथों में रखो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा भक्तवान सागर मतरू तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। सबसे पहले मैं अपने परम गुरुदेव सबसे पहले मैं अपने परमाराध्य सद्गुरुदेव पूज्य पाद भक्ति विद्वान श्रीधर महाराज जी जो आपके सामने व्यास मंच पर बैठ करके जिनकी आभा का वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसे श्री महाराज जी के श्री चरणारविंदों में बार बार प्रणिपात करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव पूज्य पाद भक्ति विद्वान श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणारविंदों में मैं प्रणिपात करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों समस्त श्रोतृवृंद जो आज भगवान के दिव्य इस कथा महोत्सव में उपस्थित होकर के अपने आप को धन्यवाद धन्य कर रहे हैं आप सभी के चरणारविंदों में कोटि कोटि हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बार बार बधाई। अभी पूज्य गुरुदेव बता रहे थे ना श्री राधा कृष्ण तो एक छोटा सा बयार याद आ गया बंगला का। वैसे तो मैं थोड़ी कमी आती है बंगला लेकिन थोड़ा सा प्रयास करूंगा। श्री वृंदावन में एक वृक्ष पर बैठी हुई शुकशारी दोनों एक दूसरे से संवाद कर रही है। पहले शुक बोलते हैं शुक बोले हमारे कृष्णा मदन मोहन। शुक कहते हैं हमारे जो कृष्ण है ना वो मदन मोहन है। शारी कहती है अच्छा मदन मोहन और हमारी राधे। शारी बोले हमारे राधा बामे चर तो खान नहीं तो की कोरे मोहन। कहती है शारी की अरे वाम भाग में श्री किशोरी जी विराजित है इसीलिए वो मदन मोहन है वरना मदन मोहन कहाँ से होते क्योंकि हमारी किशोरी जी मदन मोहन मोहिनी है जो मदन मोहन को भी मोहित करते ऐसी श्री राधा रानी है। फिर बोलते हैं शुक शुक बोले हमारे कृष्णेर बाशी कोरे गान। शुक कहते हैं हमारे जो श्री कृष्ण है ना वो वंशी में गान करते हैं और तुम्हारी राधा रानी। शारी बोले वंशी में बोले राधा राम याले
वंशी पे तुम रीच रहे हो ना कि श्री गोविंद वंशी धारण करते हैं, अरे जरा देख तो लो उस वंशी में क्या बोलते हैं श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। कान्हा नित मुरली में तेरो सुमरे बारंबार, कोटिन रूप धरे मन मोहन कौ न पावे पार, रूप रस की छबीली ठकुरानी लागे, ठकुरानी लागे भाने आरो करो यमुना जीरो पानी लागे, भाने आरो करो यमुना जीरो पानी लागे, आमी तेरस पश्चात षष्ठम दिवस में पूतना आती है। ये पूतना कौन है? कंस प्रेषित घोरा पूतना बाल भाती, ये बच्चों का वध करने के लिए इसको पूतना शब्द का प्रयोग किया है। पूत शब्द कहते हैं, बहुत सी व्याख्या है पूत की, पूतना शब्द की, लेकिन पूत शब्द किसे कहते हैं? देखो वास्तव में पूत शब्द किसे कहते हैं? बेटे को कहते हैं। बेटा किसे कहते हैं? आपके सबके बच्चे हैं, सभी के बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, बेटा किसे कहते हैं? एक सोरठा सुनाता हूं, जाही मारग पूत है ताही नहीं तो समझो। जिस मार्ग से पुरुष और स्त्री के मूत्र का विसर्जन होता है उसी मार्ग से शिशु के उत्पन्न का रहस्य है। लेकिन शिशु बच्चे किसे कहते हैं? जो भजन करे वही उन्हीं की इंद्रिया सफल है, उन्हीं का ही बच्चा देना सफल है, वरना तो फिर वो ऐसे। इसीलिए अपने बच्चों को अवश्य भजन कराओ। तो पूतना आई, अब पूतना जब आई तो वो अपना ऐसा श्रृंगार करते हैं, सुखदेव जी क्या वर्णन करते हैं पूतना प्रसंग में, जब आई ना पूतना तो इतना सुंदर श्रृंगार करके आई कि जो पास में श्री गोपियां खड़ी थी ना लाला के आसपास, उनको ऐसा लगा साक्षात त्रिभुवन मोहिनी लक्ष्मी जी पधार रही है। ताम केश बंद रति सत्त मल्लिका बृहन्न मद मद कच्छ मध्यमा सुभाषितम भूषण कर्ण योषित त्यसुल दशत कुंडल मंदिकाना वल्गुन वल्गुस्मिता पांग विसर्ज वेक्षितई मनोहरंतिम बनका ब्रजहु कसाम। जब पूतना आई तो देखो कैसे आई, जब पूतना आई तो ऐसी दिव्य साड़ी पहन करके आई कि ऊपर अंतरिक्ष में सप्तऋषि मंडलों के आसपास जो तारे हैं उसको बरात वहां से खींच करके अपनी साड़ी पर सुशोभित कर लिया हो, और आकाश में काले बादलों के टकराने से जो बिजली का उत्पन्न होती है उसको उसने बरात वहां से खींच करके और अपने नैनों में प्रस्तुत कर लिया हो, काली काली दिव्य काजल को उसने बरात वहां से खींच करके अपने नैनों में सुशोभित कर लिया हो, सरस्वती की वीणा में जितने स्वर हैं उन स्वर को बरात वहां से खींच करके अपने नूपुरों के आवरण में सुशोभित कर लिया हो, मंदार पुष्प चमेली केतकी इत्यादि दिव्य पुष्पों को उसने बरात वहां से खींच करके अपने केशों में जूड़े के रूप में आबद्ध कर लिया हो, उस सिंघनी की मर्मस्त चाल को उसने बरात वहां से खींच करके अपनी कमर में चाल के रूप में सुशोभित कर लिया हो, ऐसा प्रतीत होता था
कटी किंकणी पूरण करते हुए हाव भावों को प्रकट करते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए इठलाती हुई लहराती हुई पूतना ब्रज में पधारी। जब पूतना ब्रज में आई तो समस्त गोपियों ने उनका आदर किया कि लक्ष्मी जी आ रही हैं, इसलिए वे सब हट गई और कोई उन्हें प्रणाम करता तो पुष्प विहान संकुट आई, अपने कमल में हाथ में तो ले रखा था वो कमल को घुमाती घुमाती आती, कोई प्रणाम करता तो वो कमल का छटकारा मारती उसके उसके सर पे, तो वो अपने आप को धन्य मानती। आई पूतना, पूतना जैसे ही आई तो श्री गोविंद के दर्शन हुए उसे। यशोदा मैया खड़ी थी, यशोदा मैया की आज्ञा पाई और कहा मैया क्या लाला को मैं अपने गोद में ले लूं? और जब नेत्र बंद कर लिए तो इसके अनेकों कारण हैं, बहुत कारण हैं। इतनी मोटी पुस्तक है जिसके अंदर अलग अलग आचार्यों का भाव है कि श्री कृष्ण को देख करके पूतना ने अपने आंख क्यों मूंद ली, वो पूतना को देख करके श्री कृष्ण ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए। अनेक कारण सद्गुरुदेव बताते हैं। पहली बात, पूतना अज्ञान का प्रतीक है। चतुर्थीपाद की टीका से, पूतना अज्ञान का प्रतीक है और श्री भगवान ज्ञानोत्पुंज है। जब श्री भगवान ने पूतना को देखा तो देख करके सोचने लगे कि ये अज्ञानी है, इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये कभी सद्गुरुदेव के चरण अरविंदों में अपना कल्याण चाहने गई ही नहीं है, तो उसको देखने का ठाकुर जी को मन नहीं किया, सो ही आप बंद कर लिया। इसीलिए सद्गुरुदेव के पास आकर के अपने आप को धन्य करो, उनकी शिक्षाओं को अपनाओ, ये पूतना चरित्र सिखाता है। दूसरा कारण जो था भगवान के नयन मूंदने का, वो यह था कि भगवान श्री शंकर प्रभु को याद कर रहे हैं, शिव को याद कर रहे हैं कि प्रभु समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले हैं, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात असुरा धनवंतरिश चंद्रमा धेनु काम दुगा सुरेश्वर गजो रंभाज देवांगना अस्मो सप्त मुखो विषम हरिधनो शंखम मृदम चक्षुदेव रत्ना नीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुरुवंतु नो मंगल। ये जो 14 रत्न निकले थे, तब पहले विष की उत्पत्ति हुई थी, उसको आपने पी तो हलाहल पी महेश ने कियो जगत कल्याण, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, आपने अपने कंठ में धारण किया था। ऐसे ये पूतना तो स्तन में जहर लगा के आई है, अब मैं जब इसका पान करूंगा तो प्रभु कृपा करके दूध दूध तो मैं पी लूंगा और जहर जहर आप पी लेना, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस है विष पान करने वाला। कंठे भुजंगात विषगर गरलम, ये दूसरा कारण था। और अनेक कारण बताए हैं, एक कारण बताया है आंख क्यों बंद कर ली, क्योंकि ये पूतना पूर्व जन्म में बली की पुत्री रत्नमाला थी। जैसे ही भगवान वामन आए तो वामन जी आए तो पहले देखकर के मोहित हो गए, अरे काश ये मेरा बालक होता, मुझे इसे स्तनपान कराने में कितना आनंद आता, काश मैं इसको स्तनपान कराती। भगवान ने देखा, महा भगवान ने कहा एवं अस्तु, कोई बात नहीं, स्तनपान करा लियो। उसके बाद जब भगवान त्रिविक्रम बन गए, पृथ्वी नाप ली, आकाश भुवन लोक सब नाप ले, तब टेढ़ी टेढ़ी आंख से रत्नवाला ने देखा बड़ा छलिया है, मन तो करते इसको विष पिला दूं। भगवान ने दोबारे कहा एवं अस्तु, कोई बात नहीं, ये भी करके देख लियो। जब पूतना आई तो भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए, सोच रहे थे श्री भगवान, ये पूर्व जन्म की रत्नमाला है ना, इसको मैंने वरदान दिया था, आजा करा ले स्तनपान। उसने निज कंचुकी को ऊपर करके निजस्तन भगवान श्याम सुंदर के मुखाम भोज में प्रस्तुत किया। चुसुर चुसुर करके श्री भगवान दूध पी रहे हैं, चुसुर चुसुर करके श्री भगवान उसकी पाप राशियों को पी गए, उसके प्रारब्धों को पी गए, उसके पूर्व कर्मों को पी गए, उसके दोषों को पी गए, उसके क्लेशों को पी गए, उसके समस्त समस्त वैदिक और अवैदिक कृत्यों को पी गए, समस्त कलुषों को पी गए, क्लेशों को पी गए, कौलुष को पी गए, और जैसे ही प्राण पीने लगे पूतना घबराई, सामुंच मुंचा विभरत प्रभाषिनी, अरे छोड़ मुझे, क्या कर रहा है, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने कहा मैया मुझको तो एक काम ही आवे,
मैं क्या तो पकड़ू नहीं और पकड़ू तो छोड़ू नहीं। भगवान के लपेटे में एक बार अपन आ गए ना तो तुम कितने प्रयास करना ये टेढ़ी टांग वाला कभी ना कभी पीतांबर फेंक करके तुमको अपनी ओर खींच लेगा। श्री भगवान ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद भगवान ने प्राणों का हनन किया, प्राण चूसे उसके, प्राण चूसते ही इतना बड़ा शरीर और संत वर्णन करते हैं कंस का इतना बड़ा बगीचा उसमें जाकर के धड़ाम से गिर गया और सारा का सारा बगीचा नेस नेस हो गया। सारी गोपियां भागी, सब भागे। आज उतना की शोभा देखो, किसी के हाथ में पद्मराग मणि का हार है, किसी के गले में पद्मराग मणि का हार है, किसी के गले में विद्युत मणि का हार है, किसी के गले में कौस्तुभ मणि का हार है, लेकिन धन्य हो पूतना आज नीलमणि बनकर के श्री गोविंद तेरे कंठ में विराजमान हो गए। पूतना धन्य धन्य हो गई। जब इसके शरीर को काट करके जलाया गया ना तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं आविर्भावे मधुरम ध्रुव, इसके शरीर से इतनी खुशबू आई कि ऐसा लगा पता नहीं कौन सी औषधि की कौन से ऐसे सामग्री का हवन हुआ है जिसकी धुआं पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। अरे जिसके अंग कांति से साक्षात बड़ी बड़ी सुगंध प्रस्तुत होती है। पूतना ने जब उसको हाथ लगाया तो पूतना भी अपने आप को रोक नहीं पाई। भगवान ने अपनी दिव्य सुगंध पूतना को प्रदान करी कि ले तेरे को जो मैं गति देने जा रहा हूँ वो बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्रों को नहीं मिली, इसलिए पूतना को श्री भगवान ने अपने धाम में धाई की गति दी। जाही दियो धाई की गति सो मारन को चली आई, ऐसे हैं यदुराई हमारे प्यारे, ऐसे हैं यदुराई। श्री भगवान ऐसे हैं। देखो आपको एक छोटी सी लीला सुनाता हूँ। एक बार यशोदा मैया बैठी थी और मन में मनोरथ कर रही थी, ऐसे बैठ करके अपने गालों पे हाथ लगा के श्री कृष्ण को निहार रही थी, मनोरथ कर रही थी ये बड़ा होगा, ये घुटने से चलेगा, फिर ये बड़ा होगा, सीढ़ियों पर चढ़े चलेगा, कभी कहीं चलेगा, वो मनोरथ कर रही थी। सीढ़ियां चढ़ रही पैर पे, अरे ये तो चोबारे में डोले गो मेरो बारो सो कन्हैया, काओ दिन मैया कही कही डोले गो मेरो बारो सो शिरोमणि
भक्तन सो प्यार करने वाले हे प्रभु भक्त शिरोमणि। मैया हाउ से डराती है, लाला चुप हो जा, रो मत, ये तो हाउ आ जाएगा। मत रोवे मेरो लाल, मत रोवे मेरो लाल, देख यमुना पे आए गयो हाऊ। मत रोवे मेरो लाल, देख यमुना पे आए गयो हाऊ। अरे यमुना पे एक जंगल जाऊ, तहा आई छुपी बैठो हाऊ। अरे बड़ी पूछ वागी पूछ बुझाऊ, वह तो रूप बड़ो विकराल, वो तो बोले म्याऊ म्याऊ। मिलियो बड़ो विकराल रे, वो तो बोले म्याऊ म्याऊ। रे मत रोवे मेरो लाल, यमुना पे आई गयो हाऊ। ऐसे डरते हैं भगवान। यशोदा जी एक बार टेढ़ी आंख से देख ले तो श्री कृष्ण डर जाए। ऐसे दिन पे अविरल भगवान की अविरल कथाओं का आप समस्त श्रोतृवृंद पान कर रहे हैं। समय का अभाव है, अब महाराज जी आगे की सुंदर लीला आपको सुनाएंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कर पतन वैष्णव। हरे कृष्ण। अभी हम लोग एक माला जप करेंगे, फिर राधा रानी जन्म लेगी, फिर आप लोग प्रसाद लेकर के जाना, ठीक है? क्योंकि भागवत का जो सार है, ये ठाकुर जी का नाम ही सार है, इसलिए अभी एक माला सबको पकड़वा दो, बच्चों ले जाओ तो। और ये माला जप करने के बाद लेना नहीं, मेरे को वापस देना, ठीक है? कोई लेना नहीं माला मेरे को। और जिसको माला लेने का इच्छा, मंदिर में आ जाइयो, अरे वहीं पर मैं माला दूंगा। और तीन चार जगह ये बच्चों को मत दिया करो, ये सब बड़ों करो। और जिनके पास में माला नहीं, वही लोग ही माला ले। फटाफट दो, फटाफट दो। ये माला लेना नहीं, ये माला कोई लेना नहीं घर में, ये माला मेरे को सब वापस देना। ये माला कोई घर में लेकर जाने के लिए आप नहीं दे रहे, केवल यहाँ जप करने के लिए माला दे रहा हूँ। जो घर में लेकर जाएगा पाप लगेगी, इसलिए माला कोई घर में लेकर ले जाना। ये बच्ची दो माला क्यों ली है? माला पहुंच गया सबके पास में। बस वृंदावन आई लाल की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की जय। हाँ हरे कृष्णा। हाँ देखो एक छोटी सी स्टोरी ध्यान देकर सुनो। ये भगवान का नाम में कितने शक्ति है, हाँ इस ध्यान देकर सुनो। हम लोग जो बोलते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्तवृंद, उसमें जो श्रीवास का नाम है, जब उसने जन्म लिया तब इनको पिता माता ने ज्योतिषी को दिखाया। क्यों? हर पिता माता के मन में ये अभिलाषा रहती है, मेरे बेटा बड़ा बनकर क्या बनेगा, क्या बनने वाला है। तब उन्होंने ज्योतिषी को दिखाया, बताओ मेरे बेटा का भविष्य क्या है। ज्योतिष ने कहा, देखो तेरे जो बेटा है ना, ये 15 साल में इसका मृत्यु है। कितने साल में मृत्यु है? ये 15 साल में मरने वाला है। उसे डर गया सुन करके। फिर उन्होंने दूसरे ज्योतिष को दिखाया, वो भी यही बात बताया।
वो इतने डर गए अभी क्या किया जाए। लेकिन जब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, उसको पता चला, ज्योतिष ने बताया मैं 15 साल में मरने वाला हूँ। उसने सारे ग्रंथों को ढूंढा, अगर कोई मरने वाला हो तो बचने का कोई उपाय है कि नहीं। उन्होंने सारे ग्रंथों को ढूंढते ढूंढते उन्होंने कली संतरण उपनिषद एक ग्रंथ है। कली संतरण मतलब होता है अगर ये कली युग से कोई पार हो करके ठाकुर जी को पास में पहुंचना चाहता तो उसको क्या करनी चाहिए। वहां पर एक श्लोक लिखा हुआ था, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरंजना। इसका मतलब है कलि युग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतर ही करा। अगर कोई कलि युग में ठाकुर का नाम लेना, ये भव सागर से आसानी से ही उदार हो करके ठाकुर को पास में चले जाता है। इतना खुश हो गया, तो ये तो लिखा हुआ है जो कलि युग में ठाकुर का नाम लेगा संसार से परपार चले जाएगा। उसने अभी 24 घंटा में 24 घंटा उसने उठते बैठते सोते उसने केवल ठाकुर का ही नाम जप करना शुरू किया। कौन सा नाम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारा दिन यही नाम जप करता था। ज्योतिष ने ये बताया इसी दिन तो मरने वाला। उसने सवेरे सवेरे क्या किया, ठाकुर के सामने एक आसन बिछा करके बैठ गया और एक माला लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठाकुर का नाम जप करना शुरू किया। करते 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 उसका मृत्यु का समय आया, हठात उसने बेहोश हो गया। लेकिन बेहोश होते ऐसे लगा किसी ने बड़ी जोर से उसको गाल के ऊपर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा तो उसने जग गया। देखा कोई है नहीं, लेकिन इसको मृत्यु नहीं हुई, उसने मरा नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए, जब महाप्रभु सबको वरदान दे रहे थे, अब इनका भी नंबर आया। इनका नंबर आया तो महाप्रभु कह रहे थे, बोले श्रीवास तेरे को पता है ज्योतिष ने तेरे को जो बताया 15 साल में मरोगे, तो मैंने प्रभु का नाम लेना शुरू किया। बोले हाँ ठाकुर जी। बोले जिस दिन तुम्हारी मृत्यु थी उसी दिन तुमने बेहोश हो गया था? बोले हाँ ठाकुर जी। बोले तू जब बेहोश हो गया तेरे को एक जोर से कोई थप्पड़ मारा, याद है? बोले प्रभु आपको कैसे पता चला? आपके देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले बेटा तुम जब मेरा नाम को ग्रहण किया है ना, तेरे जितने पाप था सारे पाप ये ठाकुर का नाम से नष्ट हो गया, सारे पाप ठाकुर जी की नाम से नष्ट हो गया। और तेरे को लेने के लिए जमदूत आए थे और मैं स्वयं उनका थप्पड़ मार के मैं भगा दिया उनको और मैंने तेरे को बचा लिया, तेरे को मैंने बचा लिया। यहाँ पर कहते भगवान के नाम में इतने शक्ति। हमारे गुरुदेव एक थे, उनको ज्योतिष ने कहा था तुम 12 साल में मरने वाला हो, लेकिन उन्होंने सब कुछ घर बार छोड़ करके हमारे जो गुरु जी की जो गुरु जी प्रभुपाद का शरण में आया। आपको पता है कितना साल उसने जीता रहा? 102 साल तक उसने जीते रहा, 102 साल तक, जिनकी 12 साल में मृत्यु थी। इसलिए जो भगवान का जो नाम है ना, इसमें इतने शक्ति है, ऐसे कोई पाप नहीं जो प्रभु का नाम से तुम्हारी नष्ट नहीं हो सकता है, ऐसे कोई पाप नहीं। देखो हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति पावन, यही करते हैं ना। शंकर जी दिन भर क्या करते हैं, बोले महामंत्र जयी जपत महिषा। शंकर भी दिन रात प्रभु का नाम जप करते हैं। माता पार्वती क्या करती हैं, देखना उनको 8 हाथों में एक हाथ में माला देखोगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सहस्र नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जयी प्रिय संग भवानी। शंकर जी पार्वती को इतना प्रेम क्यों करते हैं? कारण है दिन रात माता पार्वती भी प्रभु के नाम जप करती हैं। इसलिए ब्रह्मा जी की 4 हाथ में देखना माला, एक हाथ में सरस्वती की 4 हाथ में देखोगे माला, ये विश्व ब्रह्मांड सब माला जप करते हैं, भगवान की नाम जप करते हैं। बड़े से बड़े विपद देखो, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जैसे तुम्हारे घर में विपत्ति के ऊपर विपत्ति आती जा रही है, किसी तरह से विपत्ति हाल नहीं होता है। गुरु जी कहते थे इधर उधर कहीं भी जाने का जरूरत नहीं,
घर में जितने सदस्य बैठ जाओ, सारे सदस्य घर में बैठ जाओ, मजीरा ढोलकी हो अच्छी बात है, अगर वो भी नहीं होना, गुरु जी कहते थे थोड़ी सी ताली बजाते हुए घर में थोड़ी सी हरि कीर्तन करो, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। आप स्वयं देखोगे बड़े से बड़े विपत्ति अपने आप घर से चली जाएगी, कहीं आपको जाने का जरूरत नहीं, ज्योतिष इधर उधर भागने का कोई जरूरत नहीं, केवल ठाकुर जी के नाम लो। इसलिए प्रभु का नाम को बताया नाम चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगोगे जो सोचोगे हरि नाम आपको वही प्रदान करेगा, इसलिए कहीं जाने का जरूरत नहीं, ठीक है ना। इसलिए बड़े दृढ़ता पूर्वक भगवान की नाम जप करो। इसलिए आप लोग सबके सब मेरे साथ में सबके सब हरि नाम करना, क्योंकि मैंने कल बताया था ना महाप्रभु कहते जो लखपति होगा उसको घर में खाएंगे, हैं? जब 64 माला करोगे तभी लखपति बनोगे, लेकिन यहाँ पर कितने भक्त हैं, कम से कम 5 से 6 भक्त आप यहाँ बैठे हो, जब जोर जोर से हरिनाम करेंगे माला तो एक करोगे लेकिन आपको 600 माला करने का फल मिलेगा। कितना माला करने का, मान आज आपने 10 लाख रुपया कमाएंगे, 10 लाख रुपया, और आज का आज जो नाम करेंगे ये 10 लाख रुपया आपका बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी, लेकिन ब्याज कितना मिलेगी, कहते दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन। इसलिए जब आप हरि नाम करेंगे, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो नाम नहीं लिया, लो जो नाम नहीं लेगा ना, जो नाम लेंगे उनका पाप तो उड़कर ऊपर चली जाएगी, लेकिन बैठेगी कहाँ पर, जो हरि नाम नहीं करेंगे। इसलिए सबके सब मेरे साथ में सबके सब जोर जोर से, मेरे गुरु जी कहते थे जैसे कि ईंट पत्थर उठाओ और पानी में मारो, फेंको, क्या होगा, उसमें लहरी आएगी, लहरी आएगी ना, उसी तरह जब हम हरि नाम करेंगे इसकी आवाज जितने दूर तक जाएगी उतना दूर तक जितने दुख कष्ट पाप क्लेश सब दूर हो जाएगी, सब के सब दूर हो जाएगी। इसलिए सबके सब मेरे साथ में पहले बोलो श्री कृष्ण चैतन्य, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री, श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद। अभी सबके सब हरि नाम करो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक मोटी सर किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कोई लेना नहीं पाप लगेगा सब माला वापस दे दो बोले श्रीमती राधा रानी की जोर से जयकार लगा अभी राधा रानी जन्म लेगी बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की फूल लेने से ना सब हाथ में थोड़ा फूल दे दो जब राधा रानी आएगी
सब एक फुल पहला नहीं देंगे ले जाते एक दो एक बच्चों यहाँ पर कौन है यहाँ पर कौन यहाँ दो तीन माला ले लो माला लेकर के ना रास्ता में दे दो एक दो फूल दे दो आप प्रभु जी हरे कृष्णा आज जो प्रसाद सेवा चल रही है हरि बोल ध्यान से सुने आज जो प्रसाद सेवा चल रही है उसमें आज आप सभी के लिए रबड़ी फलूदा बना है रबड़ी फलूदा जोर से ताली बजाओ जोरदार ताली बजाए बिट्टू बिट्टू रबड़ी वाला आज सभी के लिए प्रसाद में रबड़ी फलूदा और ठंडा भाई रसगुल्ला हरी चावल है सब्जी पूरी है इनका स्थान भक्तों में स्थान है इनके लिए जोरदार ताली बजाएं व्हाइट वाला रसगुल्ला भी है व्हाइट रसगुल्ला अरे हमारे बलदेव कुमार एडवोकेट भी हैं उन्होंने आटे की सेवा दी है आज के भंडारे में जोरदार ताली बजा उनके लिए ताली बजाए जिनको प्रसाद जितना बढ़िया लगता है उतना जोर से ताली बजाओ तालियां बजाओ सब तालियां ताली में कॉन्शियस मत करो फिर कल भी बढ़िया प्रसाद मिलेगी कल गिरिराज गोवर्धन की सेवा में क्या करें गिरिराज गोवर्धन की सेवा में एक अन्न की दाना जो भोग लगा देते हैं किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगी कभी अभाव नहीं पड़ेगी हरे कृष्णा रबड़ी फलूदा ना होए जहाँ पर आप बैठे रहोगे वो गिलास वहीं पर पहुंचेगा आपके पास कोई बीच में उठना मत जहाँ पे हमारी स्टार लगी है ना कोई वहाँ जाना जो कोई जाएगा उनको वहाँ नहीं मिलेगा जो नीचे बैठा होगा उसको मिलेगा हरे कृष्ण ठीक है सब बढ़िया आज जिन जिनियों का नाम लेना प्रभु ने जिन जिनियों का नाम लिया प्रसाद के लिए सब इधर आ जा आशीर्वाद ले लो गुरुदेव प्रसाद तो भोग लोगों ने दिया है पर उन्होंने मना करा के हमारा नाम अरे नाम ठाकुर जी का आशीर्वाद दे हैं जो गुप्त सभा में दे रहे हो ठाकुर तो सब जानते हैं ठाकुर जी हैं और जिनका नाम लिया सब इधर आ जा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ए बैठ जाओ क्या कर रहे हो बैठ जाओ सब बैठ जाओ सब बैठ जाओ राधा रानी जब लगे बस श्रीमती राधा रानी की जय बस श्री वृषभान राज नंदिनी की जय बस श्री कृतिका कुमारी की जय जय श्री राधे ध्यान दे कृष्णा अभी राधा रानी जन्म लेने वाली है देखो कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है जैसे वृंदावन में जाओ ना सब किसका नाम लेते हैं किसके नाम लेते हैं जोर से बोला और जोर से सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं कहते भैया तुम सब राधे 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 बोलते रहते हो लेकिन ये भागवत में राधा जी का फिर नाम क्यों नहीं दिए इसका क्या रहस्य है और शास्त्र कहता है कहते सारे शास्त्र एक ही बात कहता है पर ये भागवत है क्या चीज बस सर्व वेद इतिहासा नाम सार सार समुद्रितम जितने वेद पुराण उपनिषद है उसका जो सार है ना ये मक्खन ही ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है बोले तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रति क्वचित् अगर ये भागवत रस को कोई पान कर लेना उसको रति प्रीति और कहीं नहीं रहेगी इतना रस ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में इसलिए भागवत को बताया रसमालयम ये रस की ये आलय है ये भागवत नहीं ये केवल रसी रस है कहते भैया इसको पीते रहो उसको कभी छोड़ना नहीं ये रस को पीते रहना या बात मत करना इसलिए इसको पीते रहो भैया अगर ये भागवत सारे वेद पुराण उपनिषद का सार है फिर तो ये भागवत में राधा रानी का तो नाम होनी चाहिए पर ये भागवत में राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं है इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना अरे भागवत में राधा जी का नाम क्या है लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं ये भागवत ही राधा रानी का रूप है ये ग्रंथ का नाम क्या है बोलो ग्रंथ का नाम क्या है श्रीमद् भागवत केवल भागवत नहीं बोले श्रीमद् भागवतम
बोले श्री मतलब क्या लक्ष्मी शोभा है ऐश्वर्य, इसलिए कहते तो मूल लक्ष्मी कौन है ये श्रीमती राधा रानी। मद मतलब होता है प्रेम, बल ये भागवत नहीं कहती ये राधा रानी का ये प्रेम है। हर साल में कथा सुना दू ना, बोले कोई किसी समय एक कोई राजा था, वो राजा खूब धन कमाता है हीरे जवाहरात, लेकिन देता है किसको, बोले अपने सेठानी को देता है, अपना राज रानी को है, ये सारे धन दौलत देती है। और वो सेठानी क्या करती है, हीरे जवाहरात को आलमीरा में सजा सजा कर रखती है, और लाख रुपया की गड्डी के गड्डी आलमीरा में सजा कर रखती थी। एक दिन उसने पागली बनी गई और सारे हीरे जवाहरात को लेकर के गई छत को भरने, और उसने लुटाना शुरू की। जब लुटाना शुरू की, जितने दुखी दरिद्र लोग थे ना, लाख रुपया की घटी की घटी उठाए और हीरे जवाहरात को उठाए तो सबके सभी ये माला माल हो गए। बोले भैया वो सेठ कौन, राजा कौन, बोले कृष्ण। बोले वो सेठानी कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। कृष्ण तो खूब धन लुटता है कमाता है, लेकिन भंडारी कौन है, श्री राधा रानी। प्रेम राधा रानी के बगैर कोई प्रेम दे ही नहीं सकते, कृष्ण नहीं दे सकते, उनको पास में कुछ नहीं, सब मालिक यानी श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन में किसकी नाम लेते हैं, राधे राधे। जोर से बोला राधे राधे। सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी, पागली बनी, और छत के ऊपर में गई और दोनों हाथों से हीरे जवाहरात को उसने लुटाना शुरू की। और आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम के जो दरिद्र है, कृष्ण प्रेम के जो कांगाल है, हमने वो धन उठाया, बस हम माला माल हो गए, माला माल हो गए। बोले भैया सेठानी कौन है, राधा रानी। और कलयुग में वो सेठानी कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु। वही कृष्ण ही कलयुग में राधा रानी के भाव और अंग कांति लेकर के श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आए और विश्व ब्रह्मांड में बने। ये कृष्ण नाम रस को उन्होंने लुटाया और जिसको लुटाया और वो बढ़ते बढ़ते ये बड़ौत में भी आ गया है। एक टहनिया ये बड़ौत में आ गया, कहते वो टहनिया कौन है, हमारे श्री नवीन प्रभु। उधर से भी गिरा ली और उसने इन्होंने क्या किया, फिर हम सब संत लोगों को बुला करके उन्होंने सबको कृष्ण नाम रूपी प्रेम धन उन्होंने लुटाया। तो और यहाँ के लोग भी कृष्ण धन को लूट करके अभी माला माल सबके सब श्री माला माल हो गए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए कहते हम भागवत नहीं सुन रही है, ये राधा रानी जो कृष्ण प्रेम को लुटा रही ना, हम ये प्रेम को सब लूट रहे हैं, कथा नहीं प्रेम को लूट रहे हैं। प्रश्न है पर भागवत में स्पष्ट रूप में राधा जी का नाम क्यों नहीं दिया, क्या कारण है। इसका कारण कहते हैं, जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार श्री राधा रानी का नाम लेते थे, कहते 6 महीना तो ये बेहोश हो जाते थे। बोले भैया मेरे पास में कुल 6 दिन, अगर मैं 6 महीना बेहोश हो गया राधा जी का नाम लेकर के, फिर तो ये भागवत कथा फिर मैं कैसे सुनाऊंगा। इसलिए उन्होंने श्री राधा रानी का नाम उन्होंने ग्रहण नहीं किया, ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण, ये सुखदेव गोस्वामी राधा रानी से प्रश्न की, बोले हे राधे आपका नाम को भागवत में मैं किस रूप में ग्रहण करूं। राधा रानी स्वयं आदेश देती है, मेरे नाम को स्पष्ट रूप में कहीं लेना नहीं, लेना तो छुपा करके लेना, जैसे एक स्त्री है जैसे घूंघट उतार कर रखती है ना, फिर उनका स्वभाव उसका अंदर में विद्यमान रहती है, जैसे पिपरमेंट हो नहीं तो सेंट हो, उसका ठिपी खोल तो उड़ जाएगी। इसलिए कहते मेरे को भागवत ग्रंथ में छुपा करके रखना, स्पष्ट रूप में मेरा नाम नहीं लेना। ये राधा रानी के आदेश को पालन करते हुए सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप में नहीं लिए, लेकिन लिया तो नाम, लेकिन छुपा छुपा करके लिया नाम को उन्होंने छुपा करके लिया। ये सब कारण है। तीसरा कारण कहते हैं, जैसे आप लोग मेहंदी लगाते हो, कौन कौन हाथ में मेहंदी लगाते हो, सब लगाते हो। अब मेहंदी पत्ते देखे हो, मेहंदी पत्ते का रंग कैसे बताओ, हरा है, लेकिन वो थोड़ी हरा है, लेकिन वो क्या है, लाल है, लेकिन ऊपर से क्या दिखती है, हरा हरा। बोले इसको पीसो तब भी वो हरा हरा दिखेगी, लेकिन जब माता है हाथ में मेहंदी लगा देते हो, फिर कौन सा रंग हो जाता है, लाल। फिर महीना तक वो रंग नहीं छूटती है,
उसी तरह भागवत ऊपर देखो कृष्ण 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 देखेंगे, लेकिन अंदर में देखो तो ध्यान करके क्या दिखेगा? राधा राधा दिखेगा। क्यों? कृष्ण का जो आत्मा श्री राधा रानी, इसलिए भागवत में ऊपर ऊपर कृष्ण कृष्ण दिखती हैं, लेकिन अंदर में देखोगे ना अंदर में श्री राधे राधे दिखेगा। इसका चौथा कारण बताए, बोले देखो कृष्ण भक्ति आसानी है, कृष्ण भक्ति सब कर सकते हैं, लेकिन राधा जी की भक्ति इतना आसानी भक्ति नहीं। उदाहरण देकर समझाए, एक कृष्ण भक्ति एक बहता हुआ नदी, जैसे नदी का पानी सब पी सकते हैं होना, वही केवल कुएं का पानी पी सकते हैं। मतलब क्या है? बोले जब तक हम किसी रस्सी की परंपरा से नहीं जुड़े, जिस संप्रदाय में राधा जी की भक्ति हो रही है, जब तक उसी भक्ति धारा में हम नहीं जुड़ेंगे ना भैया, ये राधा जी की भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। क्या नाम है? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय मतलब क्या? गौड़ीय मतलब है गोरी, राधा रानी गोरी है, राधा रानी गोरी से ये गौड़ीय बना। मतलब हम किसकी उपासक है? बोले राधा रानी की उपासक है, इनके अनुगत्य में हम कृष्ण सेवा करते हैं। कृष्ण पर डायरेक्ट हम पूजा नहीं करते, इनके अनुगत्य में पूजा करती है, क्योंकि इनके अनुगत्य में पूजा करोगे ना कृष्ण पूर्ण रूप में कृष्ण प्राप्ति होगी है। इसलिए भागवत में इसी कारणों को लेकर के भागवत में राधा जी का नाम स्पष्ट रूप में नहीं दिया, लेकिन अंदर में झांक करके देखोगे भागवत में राधा जी का नाम के सिवाय और कुछ है ही नहीं। भागवत का हर अक्षर में कहते, एक जैसे अंगूर फल होता है ना, उसको दबाओ क्या निकलेगा? रस, रस निकलेगा। उसी तरह भागवत का जो एक एक अक्षर है वो अंगूर के फल जैसे, और उसको दबाओगे ना राधा रानी के प्रेम रूपी रस, जिसकी हर अक्षर से श्री राधा रानी की प्रेम निकलती है। श्रीमद भागवत कथा मृत की, श्रीमती राधा रानी की। कहते श्री वृषभानंद महाराज के घर में एक बेटा था, लेकिन घर में कोई बेटी नहीं। अभी वो सोच रहे हैं घर में एक बेटी भी होनी चाहिए। क्यों? घर में जब कोई बेटी आए ना, दुनिया कहते हैं घर में लक्ष्मी आई, घर में कौन आई? लक्ष्मी। लेकिन बेटा आए कोई कहता है नारायण आया, कोई कहते हैं बेटी आए ना, दुनिया क्या कहते घर में लक्ष्मी आई। इसलिए देखना घर में जब बेटी आती है ना है, उसको लक्ष्मी रूपा मान कर उनको दान दी जाती है, है? अगर माताएं नहीं रहेगी, बेटियां नहीं रहेगी, ये दुनिया रहेगा बता? अगर दुनिया में कोई बेटे ही बेटे हो गए तो ये दुनिया रह सकता है? इसलिए जितने माताएं हैं ना, ये लक्ष्मी स्वरूपिणी है, इन से ही ये दुनिया बढ़ रहा है। जितना भाई दादा नाना नानी किससे हो रहे, जन्म हो रहे हैं, माता जी से हो रही है। इसलिए वृषभानंद महाराज सोच रहे हैं घर में मेरी एक बेटी होनी चाहिए, क्योंकि घर में बेटी हो तो घर में माँ लक्ष्मी की कृपा आती है, और कन्या दान ये सर्वश्रेष्ठ दान है। इनके नित्य नियम था, कहाँ जाना? ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने। जब गए देखा एक सतदल कमल फूल के ऊपर में एक बड़ी सुंदरी लाली किलकारी मारते हुए खेल रही है, और वो कमल फूल बहते बहते इनके तरफ में आ रहा था। वृषभानंद महाराज पानी में उतर करके गए और श्री राधा रानी को उन्होंने गोद में ले लिया। बस श्रीमती राधा रानी की उन्होंने अपना पत्नी कृतिका को दिए, देखो ठाकुर की बड़ी कृपा, एक लाली हमें मिली है। नारद जी ने देखा कृष्ण गोकुल में जन्म हुए, वो तो कभी अकेले आएंगे नहीं, वो अपना राधा रानी को साथ में आएंगे, वो अली गलियों में ढूंढ रहे घर घर में। जब उन्होंने श्री वृषभानंद महाराज जी को घर में गए, बोले आपका घर में कहीं बच्चा हुआ है? लेकिन उन्होंने श्रीधाम भैया को दिखाए, बोले कोई लाली भाई की नहीं, चुप हो गए। बोले बताओ ना, बोले हाँ एक लाली भी भाई है। बोले लाली को लाओ। जब लाली को लाए ना, बोले भैया इनको ही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो रमेश्वरी क्षमेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी श्री राधे के नमस्तुते, ये सबका जो ईश्वरी श्री राधा रानी। जब हम इनको उपासना करें ना, अनंत करोड़ देवियां अपने आप पूजा हो जाएगी। उमा रमा सत्या सची जितने देवियां सब राधा रानी से प्रकट होती हैं। राधा जी की पूजा करो, विश्व ब्रह्मांड के
सारे शक्ति की पूजा अपने आप हो जाती है। इसलिए नारद जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने बहाना बनाए, बोले फूल ले आओ, आपकी बच्ची को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जब वो अंदर में गए ना, राधा रानी किशोरी बन गई, सब सखियां प्रकट हो गई। ललिता कहती है, बाबा क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी स्तुति करो, नहीं तो राधा रानी अभी अभी अंदर ध्यान हो जाएगी। फिर से नारद जी बोले, मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक सोक हारी प्रसन्न भक्त पंकजे त्रिपुंज भूमिदासिनी ब्रजेन्द्र वानु नन्दिनी ब्रजेन्द्र सोनु संकते कराकरी सिया कृपा प्रकाश भाजन अशोक वृक्ष वल्लरी कृपानन्द प्रवान बाल पल्लव प्रवान गोमल अगर ये स्तोत्र को राधा कुंड में पानी में खड़े होकर के 108 बार पढ़ो ना, साक्षात राधा रानी के दर्शन देगा, साक्षात राधा रानी दर्शन देती। इतने महिमा ये स्तोत्र पढ़ने का, बड़ी महिमा है, हैं? इसलिए अभी राधा, अभी कार्तिक महीना गई थी ना, मंदिर में कौन कौन आते थे, सब मंदिर में मंगलारती में कौन कौन आते थे, देखो कुछ कुछ बातें आती थी, ये स्तोत्र हम रोज पढ़ते थे। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना मंदिर में आने के लिए, जब तक मंदिर में नहीं आओगे ना तब तक झूठ नहीं सकते। जैसे यहाँ कथा कथा हो गई, कथा की विश्राम हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे, लेकिन मंदिर बना हुआ, अगर मंदिर में आते रहोगे फिर तो भक्ति में जुड़े हुए रहोगे, नहीं तो। इसलिए मैं देखता हूँ जो लोग मंदिर में नहीं आते ना, गला की कंठी भी उतर गई, तिलक भी लगाना छोड़ दिया, पता नहीं माला जप करके नहीं, लेकिन जो लोग मंदिर में कंटिन्यू आ रहे हैं, देखो तिलक लगाए, गले में कंठी, माला ठीक ठीक से कर रहे हैं, क्यों? अगर के पौधा लगाया, अगर पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा। ये पानी क्या, ये पानी सत्संग है। अगर मंदिर में आते रहोगे तो फिर भक्ति तुम्हारी हरी भरी रहेगी, ठीक है ना। अभी जैसे सवेरे अभी अभी हम कथा करते हैं मंदिर में, कुछ माताएं मंगल आरती में आती है, सवेरे कथा होती है, कोशिश करना सवेरे भी आने के लिए, और शाम को कथा में आती हो। इसलिए इतने में स्तुति करते करते राधा रानी अंदर ध्यान हो गई, फिर उन्होंने प्रेम में गदगद हो गए, और उन्होंने पुष्प ऊपर ऊपर लेकर के स्वस्ति वाचन पढ़ करके उन्होंने राधा रानी को आशीर्वाद दी, और नंद बाबा ने पूरा ब्रज मंडल में ढिंडोरा पिटवा दिया, मेरी लाली जन्म भाई सबके सब बधाई देने के लिए आओ। इतने में श्री नंद बाबा मैया यशोदा जी कृष्ण को लेकर के आए, और जिस पलंग में श्री राधा रानी लेट रही थी उसमें श्री कृष्ण को लेटा लिया। राधा रानी की जन्म से आंख बंद करके रखी थी, उनकी इच्छा थी सबसे पहले मैं अपना प्रियतम कृष्ण को देख करके दुनिया को मैं देखूंगी। जब उन्होंने उनको पास में सुला दी, इतने में कृष्ण अपना हाथ को श्री राधा रानी के ऊपर रख दिए, रख दी राधा रानी की रोम रोम खिल उठी। इतने में श्री राधा रानी आंख खोल दी, और विश्वभर महाराज की आनंद की सीमा नहीं रही। फिर तो बड़े धूमधाम से श्री राधा रानी की जन्म महोत्सव किया। अभी राधा रानी आ रही है, जिनकी उनको फूल दिया, आप लोग सबके सबसे राधा रानी के ऊपर में फूल की बौछार करना, और इसको बाद में राधा रानी की बधाई होगी, और फिर आरती लेकर के सबके सब प्रसाद लेकर जाना। और कल श्री गिरिराज गोवर्धन पूजा है, आज कौन सा रंग से साड़ी पहन करके आए हो, कल कौन से साड़ी रंग के साड़ी पहनोगे, हरी, ठीक है, सबके सब हरी रंग की साड़ी पहन करके आना। और जो 20 तारीख को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा है, हाँ, हर साल के भांति इस साल भी धूमधाम से श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा मनाएंगे, और उसी दिन भी केवल एक रंग के साड़ी पहननी चाहिए, कौन सा रंग के, पीला रंग के, दूसरा कोई रंग जैसे नहीं दिखे, सर्वत्र जैसे पीला ही पीला दिखे,
और जिसको घर में होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो और कोई बढ़िया सुंदर साड़ी पहन करके आना। इस बार बड़ौत में जगन्नाथ जी रथ यात्रा भी हम लोग बड़े धूमधाम से रथ यात्रा मनाएंगे। बड़े श्रीमती राधा रानी की हरे कृष्णा। कल हम 56 भोग के लिए टोकरियां दी जाएंगी सबको, 56 भोग के लिए। तो जो जो मतलब मैंने टोकरी लेने चाहती हैं कथा के बाद, यहाँ से प्रसाद लेने के बाद हमारे से टोकरी लेंगे, जो कि 20 तारीख को 56 भोग बना के लाना। अभी गुरु जी ने कहा है कि सबको हरी हरी साड़ी पहन के आनी है, जिसके पास हरी है ठीक नहीं है, और वो बल्कि बाजार से खरीद ले, अगले साल उसको पैसा देना है। सब खरीद लें, हरी साड़ी कल खरीद लें, सब पैसे से खरीद लें, और जब अगली कथा होगी ना सब पैसा हमसे लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। सज गई मेरी सारी गलियां, सज गई मेरी सारी गलियां।
खिल गई कलियां बनो भगवान की खिल गई कलियां मिल गावा मिल मुझी आयो है जन्म दिन रानी को I'm gonna make it.